इसको इधर रखा तो चलेगा क्या? आवाज अलग आ रही है। चेक। सो हाउ वाज संडे? डिड यू ऑल स्लीप वेल? कितना सोए? बहुत ज्यादा, 12 घंटे? डायरेक्टली लंच के लिए उठे क्या? चेक, आवाज ठीक कर। कहीं बाहर नहीं गए? ये गुरुकुल का बच्चा ही होगा। कहां पर है? गुरुकुल के बच्चों का फेवरेट स्पॉट डी मार्ट। कहां घूमने गए थे? डी मार्ट। हो गया शुरू आप लोगों का एफसी रोड? पुणे में आए नहीं के बस फिसल गए। पहले दिन बस भोली शक्ल बना के लेके आए थे। चलो लेट्स स्टार्ट। हो गया क्या स्टार्ट? ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। क्या संडे 12 घंटे सो के आए हो? लग नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मच बेटर। गुड मॉर्निंग ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स आल्सो। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस चार्ट, द पापा चार्ट ऑफ मीटिंग्स। बट उसके पहले जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। वर्चुअल किड्स, आप लोग भी जवाब दोगे? मैम, हम भी एफसी रोड को मैप पे ही देख के खुश हो जाते हैं। नो कमेंट्स बेटा, अब क्या ही कहो मैं। चलो बढ़िया है, चलो ठीक है। ओके, सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, एवरीवन नाउ सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, कम ऑन गाइस। यस, हु इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू सेंड अ नोटिस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या सिंगल डायरेक्टर के पास पावर है? बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? तब फिर ये जो कोई और है क्या उसके पास पावर मिल जाएगा नोटिस भेजने का? व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? 21 क्लियर डेज। 4 दिन एक्सक्लूड होते हैं। कौन से 4 दिन? डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग, 2 डेज फॉर ट्रांसमिशन। बट अगर आपने पोस्ट से भेजा है तो ही ये 2 दिन एक्सक्लूड हो गए, अदरवाइज ये 2 दिन एक्सक्लूड नहीं हो गए। एजीएम है, शॉर्टर लेंथ मिला, तब कितने लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा? 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस किन किन लोगों को भेजते हो? ईच एंड एवरी मेंबर। मेंबर अगर मर गया तो लीगल, इंसॉल्वेंट हो गया तो साथ ही साथ ऑडिटर, साथ ही साथ डायरेक्टर। आप नोटिस में कौन सी 4 चीजें लिखते हो? बोलो, डे, प्लेस, टाइम, एजेंडा। और अगर नोटिस भेजने में आपने डेलिबरेटली ओमिशन किया है, प्रोसीडिंग्स का क्या हाल होगा? प्रोसीडिंग्स विल बी इनवैलिड। और अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था तो नॉट इनवैलिड। अलॉन्ग विद दैट, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मुझे बताओगे, ये सारी बातें थी सेक्शन नंबर 101। 102 बात कर रहा था ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। बताओ 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस कौन से हैं? अड्डा, क्या ही अड्डा, बोलो, ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेट। अगर आपका बिजनेस अड्डा नहीं है तो ये बिजनेस को माना जाएगा एज अ स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस के लिए क्या लगता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हाँ है ना? और इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या आप मटेरियल फैक्ट्स लिखते हो? yes. पक्का? दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 102। उसके बाद हमने किया था 103, दैट वाज रिलेटिंग टू कोरम, और उसके साथ साथ 112 एंड 113। कोरम, व्हाट इज अ कोरम फॉर अ प्राइवेट कंपनी? टू, सिर्फ टू मत बोलो, 2 मेंबर्स, वेरी गुड, पर्सनली प्रेजेंट। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो 5, 15,
थर्ड, अगर अप टू 1000 मेंबर्स है तो मोर देन वन, अप टू 5000 मेंबर्स एंड मोर देन 5000 द कोरम विल बी 30. आर्टिकल्स में क्या आप कोरम का इंक्रीज नंबर लिख सकते हो? बट कोरम के नंबर को 5, 15, 30 से डिक्रीज नहीं कर सकते है. अगर इंक्रीज नंबर लिखा है तो उतने लोग आपको लगेंगे फॉर द मीटिंग एज योर कोरम. चलो कोरम नहीं आया विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर तो क्या होगा? द मीटिंग विल बी अडजर्न टू अ डे डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स. बट अगर डायरेक्टर्स ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक है ना. If it is a meeting called by the members and the quorum is not present, तब क्या होगा? The meeting shall stand dissolved, cancelled. Dissolved बोलो, cancelled बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. Next point, आप लोग बताओगे मुझे, are preference shareholders counted for quorum purpose? Are proxies counted for quorum purpose? Why? Because proxies are not members personally present. Yes or no, guys? Next point, हमने और क्या देखा था? अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का या बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट? इफ अ रिप्रेजेंटेटिव इज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, विल ही बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पस? यस, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज मेंबर्स. मेंबर्स के जो सारे राइट्स है वो इन लोगों को भी दिए जाएंगे एंड दस दे विल बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पस एंड दे विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर द राइट ऑफ वोटिंग. वोट करने के लिए भी उनको अधिकार दिया जाएगा. सो दैट वॉज अबाउट. अच्छा, अडजर्न मीटिंग, अडजर्न फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम, उसमें भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या स्टेटस होगा? द मेंबर्स प्रेजेंट विल बी कंसिडर्ड एज कोरम. यस नो गाइस? सो दैट वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 103. अब हम बढ़ते हैं आगे. आज सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं द सेक्शन रिलेटिंग टू प्रॉक्सी एंड दैट इज सेक्शन नंबर 105. ठीक है, पहले आप लोग सुन लो एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. सेक्शन नंबर 105, कौन सा सेक्शन हम कर रहे बोले तो 105, विच इज रिलेटिंग टू व्हाट? प्रॉक्सी. सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी? कम ऑन गाइस, सुनो. बहुत बार क्या होता है, पर्सन को खुद मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है. से फॉर एग्जांपल, आज मेरे को रिलायंस की नोटिस आई है और रिलायंस कहता है कि अगले महीने हमारी है मीटिंग, बट अब मुझे मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस बिजी रूटीन. तो अब अगर मेरे को मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, मैं क्या कर सकती हूं? मेरे बिहाफ पे किसी और को अपॉइंट कर सकती हूं जो मेरे बिहाफ पे जाएगा और वोटिंग करेगा. तो ये जो पर्सन है जिसको मैंने अपॉइंट किया, ही इज लाइक माय एजेंट, जो मेरे बिहाफ पे जाएगा और मीटिंग अटेंड करके वोट करके आएगा. ऐसे पर्सन को कहते हैं एज अ प्रॉक्सी. सो एवरी मेंबर ओके इज एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग. बट अगर उस मेंबर को मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो वो जो मेंबर है वो क्या कर सकता है? अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी. अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी. और इसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर जो है, दैट इज MGT 11. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म दैट यू आर लर्निंग इन योर सिलेबस, MGT 11. MGT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द चैप्टर्स नेम, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस चैप्टर में जितने भी आप फॉर्म करोगे, ओके, सारे के सारे फॉर्म्स का इनिशियल शुरू होता है विद MGT, ओके, एंड इस चैप्टर का ये 11th फॉर्म नंबर है, इसलिए फॉर्म नंबर आ गया MGT 11. दिस MGT 11 इज द प्रॉक्सी फॉर्म. तो अगर आपको खुद मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आपके बिहाफ पे अपॉइंट कर सकते हो किसी प्रॉक्सी को, और ये प्रॉक्सी अपॉइंट होता है इन फॉर्म नंबर MGT 11, विच इज टू बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. कितने घंटे पहले? 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग.
तो मीटिंग शुरू होने के 48 आवर्स पहले आपको ये प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो करना होता है डिपॉजिट विद द कंपनी। अगर मैं टाइमलाइन के हिसाब से आपको बताऊं, एक ही मिनट, हाँ, तो से फॉर एग्जांपल मीटिंग जो है, से दिस मीटिंग इज ऑन मे बी 15th ऑफ जुलाई, कोई भी एग्जाम्पल पर्पस से हमारी मीटिंग जो है द डे ऑफ द मीटिंग, दिस मीटिंग इज ऑन द 15th ऑफ जुलाई से एट 11 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप बताओ 48 आवर्स रिवर्स कैलकुलेशन करो, 48 आवर्स रिवर्स क्या आएगा, 48 आवर्स मतलब दो दिन, कौन सा डेट आएगा, 13th जुलाई 11 बजे। तो क्या ये हमारे होते हैं ये 48 आवर्स? से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बिहाफ पे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकती हूँ। मुझे अगर मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो मेरे बिहाफ पे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करोगी, एक और एक MGT 11। मुझे अगर मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो मेरे बिहाफ पे मैं अपॉइंट करूंगी किसी प्रॉक्सी को, MGT 11 इज टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, दिस इज द प्रॉक्सी फॉर्म। और ये प्रॉक्सी फॉर्म आई हैव टू मेक इट श्योर That it is deposited with the company. It is deposited with the company by 13th of July 11 AM. इसके बाद अगर आप प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। तो अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना है एज अ प्रॉक्सी तो मुझे इस टाइम तक मतलब किस टाइम तक, 13th जुलाई के 11 बजे के पहले MGT 11 क्या कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना, इफ आई सबमिटेड ड्यूरिंग दीस 48 आवर्स दिस अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट। प्रॉक्सी अगर अपॉइंट करना है आई हैव टू मेक इट श्योर कि 13 जुलाई के 11 बजे के पहले मेरा प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो कंपनी के पास हो जाना चाहिए डिपॉजिट। इनफैक्ट लॉ मेकर्स इतने स्ट्रिक्ट है, लॉ मेकर्स ने कहा है ये जो 48 आवर्स हमने एक्ट में दिए हैं, इस फिगर को आप छेड़ नहीं सकते। कल जाके किसी पर्सन ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया, एग्जाम्पल पर्पस किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा, क्या लिखा अपने आर्टिकल्स में कि अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है आपका प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास 72 आवर्स पहले पहुंचना चाहिए। ऐसा किसी कंपनी ने लिख दिया, कहां लिखा, आर्टिकल्स में, कि हे मेंबर अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है आपका प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास डिपॉजिट हो जाना चाहिए 72 आवर्स पहले। एक्ट ने क्या लिखा है, 48 आवर्स। कंपनी ने आर्टिकल्स में क्या लिखा है, 72 आवर्स। एक्ट कहती है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 105 कहता है कोई भी कंपनी ने अगर अपने आर्टिकल्स में 48 आवर्स से ज्यादा का अगर टाइम लिखा है तो दैट टाइम इज वॉइड एब इनिशियो। सुना है वर्ड एब इनिशियो? वर्ड एब इनिशियो मतलब दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज नल, इट्स नलिटी, इट्स नल मतलब जीरो इफेक्ट। और ऐसा माना जाएगा कि 72 आवर्स नहीं बल्कि हमने आर्टिकल्स में क्या लिखा है, 48 आवर्स। इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ थियोरी देख रहे हो। आप समझो अगर मैंने आर्टिकल्स में 72 लिखा है, एग्जाम्पल मैं लिख तो नहीं सकती और अगर लिखा भी है तो उसको 48 ही माना जाएगा, ठीक है वो अलग एस्पेक्ट है। बट सपोज अगर मैंने 72 लिखा है, 72 मतलब मैं क्या कह रही हूं मेंबर को, हे मेंबर अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, 72 मतलब 3 दिन होता है, आपको आपका, मैं इसको ना ब्लू में लिखती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो फिर कोई अलग कलर ग्रीन ले लेती हूं एकदम ही अलग, विच इज नॉट करेक्ट, हा दिस इज ऑल नल,
इसलिए मैं ग्रीन में लिख रही हूं. सपोज अगर मैंने आर्टिकल्स में लिखा है यहां पे 72 आवर्स, सपोज अगर मैंने आर्टिकल्स में 72 आवर्स लिखा है, तो अब इसका ये मतलब है मैं मेंबर को कह रही हूं आपको प्रॉक्सी अगर अपॉइंट करना है, आप प्रॉक्सी फॉर्म 12th of July के 11 बजे के पहले आप प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करिए. ऐसा मेरा आर्टिकल्स कह रहा है, आर्टिकल्स कह रहा है. और एक्ट क्या कह रही है, कब तक टाइम है आपके पास, 13 जुलाई के 11 बजे तक. मतलब हर मेंबर के पास ये जो टाइम था वो आपने छीन लिया है थ्रू द आर्टिकल्स का प्रोविजन. आपने मेंबर्स की राइट को छीन लिया है, वो राइट जो एक्ट ने दी है. तो इसीलिए लॉ मेकर कहते हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. उन्होंने 105 में ही स्ट्रिक्टली लिख दिया है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपने कोई भी आर्टिकल्स के प्रोविजन के द्वारा 48 आवर्स की लिमिट को बढ़ा दिया है, इस 48 आवर्स की लिमिट को जब आप बढ़ाते हो आप मेंबर के राइट को छीनते हो, तो ये प्रोविजन एक्सेप्टेबल नहीं होगा और माना जाएगा ये नल है. नल है मतलब कानून की आंखों से देखो, कानून को ये 72 नजर ही नहीं आएगा, कानून को ये क्या नजर आएगा, 48 आवर्स ही नजर आएगा. इसी पॉइंट को पकड़ लिया ना आईसीआई ने, और आईसीआई ने एग्जामिनेशन में सवाल पूछा. क्या सवाल पूछा, अब देखो इंस्टीट्यूट ने दोनों चीजों को क्लब किया, बड़ी चालाक है इंस्टीट्यूट, है ना. इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को पकड़ लिया और एग्जामिनेशन में 4 मार्क का सवाल बना दिया. कहा, और जानबूझ के इंस्टीट्यूट आपको गुमराह करने के लिए बोल रही है, सेक्शन 105 जो प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट का है, वो सेक्शन कहता है प्रॉक्सी वैलिडली तब अपॉइंट होता है जब 48 आवर्स पहले डिपॉजिट किया जाता है. जानबूझ के प्रोविजन लिखे, फिर लिखा आर्टिकल्स कहते हैं प्रॉक्सी अगर अपॉइंट करना है तो 72 आवर्स तक आपको प्रॉक्सी फॉर्म देना होगा. अब ये एक मेंबर है मिस्टर श्याम, और यही मिस्टर श्याम ने प्रॉक्सी को डिपॉजिट किया है, प्रॉक्सी फॉर्म को 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग, मतलब दोनों के बीच का. ये है 72 आवर्स और ये है 48 आवर्स. और बताया ये जो मिस्टर श्याम है, श्याम ही बोला ना, हाँ, ये मिस्टर श्याम ने प्रॉक्सी फॉर्म को डिपॉजिट किया है 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग. अब सवाल ये उठता है क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है या क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, वैलिड और वॉइड. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर सेइंग वैलिड है, ओ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू ऑल. व्हाट अबाउट यू ऑल वर्चुअल किड्स, व्हाई वैलिड, क्योंकि कल जाके अगर आपने यहां पे 72 आवर्स भी लिखा है, हाँ, इसको हम 72 नहीं मानेंगे. क्या मानेंगे हम इसको, इसको हम 48 आवर्स ही मानेंगे. और अगर 48 आवर्स पहले तक डिपॉजिट करना है, आपने तो 68 आवर पे डिपॉजिट किया है, यू आर स्टिल 12 घंटे पहले, एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑल करेक्ट. दिस अपॉइंटमेंट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट. दिस अपॉइंटमेंट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट. तो बताओ प्रॉक्सी का फॉर्म नंबर क्या है, MGT 11. कितने घंटे पहले सबमिट होना चाहिए, आधे अधूरे जवाब मत दो. 48 आवर्स बिफोर व्हाट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. 48 आवर्स से ज्यादा का अगर टाइम लिखा तो क्या होगा, उसको नल माना जाएगा, और माना जाएगा आपने क्या लिखा हुआ है, 48 आवर्स ही आपने लिखा हुआ है. अब देखो एज अ मेंबर अगर मैं मीटिंग में जा रही हूं तो फिर तो क्या बात है, वेल एंड गुड. बट अब मैं मीटिंग में तो जा रही हूं, बट मुझे ये देखना है वो कौन से लोग हैं जिन्होंने खुद मीटिंग अटेंड नहीं की और प्रॉक्सी को अपॉइंट किया. तो आई वॉन्ट टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी डिपॉजिटेड, आई वॉन्ट टू व्हाट, इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड. तो एज अ मेंबर, एज अ मेंबर कैन आई इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज
डिपॉजिटेड. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. मैं तो खुद मेंबर हूं, मैं तो मीटिंग में गई हूं, बट मेरे को ये चेक करना है कौन से सारे मेंबर्स मीटिंग में नहीं आए और उन्होंने क्या किया है, प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है. मैं मेंबर हूं मतलब मैं मालिक हूं कंपनी की. एज एन ओनर आई हैव फुल राइट्स टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड विद द कंपनी. बट उसके लिए लॉ मेकर ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड इंस्पेक्ट करनी है, यू आर सपोज टू गिव 3 days एटलीस्ट 3 days prior notice. You at least have to give 3 days prior notice. And you can start the inspection 24 hours before the meeting. 24 hours before the meeting. And this inspection can take place till the conclusion of the meeting. The inspection can take place till the conclusion of the meeting. Meeting के बाद क्या ही आप proxies inspect करोगे? Meeting ही खत्म हो गई है. जो purpose था क्या वो ही satisfy हो चुका है? तो आप आपको अगर inspection करना है, it's compulsory to give a 3 days prior notice. कैसे बेटा? मतलब directors आपके लिए बैठे हुए हैं क्या? सारा काम धंधा छोड़ के आइए बेटा. बैकएंड पे भी तो कुछ काम है या नहीं है? यहाँ पे मीट है. पानी पिला, पानी. इमोशनल हो गया बंदा. मैंने बोला ना ओनर है, ओनर तो उसको ऐसे उसने एकदम ऐसे इमोशनली ले लिया, एकदम सेंटी हो गया, उसी बात को उसने पकड़ लिया. बस मैं ओनर हूं, मैं ओनर हूं, जाके बोलूंगा ए डायरेक्टर. ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है. सो देयर पोजीशन इज ऑल्सो क्वाइट रिस्पेक्टेबल. एंड बैकएंड पे उनको काम करना होता है और ऑलरेडी मीटिंग की काफी सारी तैयारी होती है. सो यू जस्ट कैन नॉट कम एंड गिव ऑर्डर्स, ठीक है? सो यू हैव टू टेल देम एंड दैट इज व्हाई वी हैव गिवन दिस नोटिस पीरियड ऑफ 3 days. 3 दिन का प्रायर नोटिस. 3 दिन का प्रायर नोटिस मतलब अगर मीटिंग मेरी 15 जुलाई को है, 3 दिन पहले कितना होता है? तो आपको 3 days प्रायर नोटिस देनी है. इट कुड बी 5, 10, 15, 20 कितने भी दिन प्रायर हो सकती है, बट एटलीस्ट 3 दिन का तो समय होना चाहिए. 3 days का प्रायर नोटिस दो, आप नोटिस दो, बट इंस्पेक्शन नोटिस देते से ही अलाउ नहीं करेंगे. इंस्पेक्शन कब से अलाउ करेंगे? 24 hours बिफोर द मीटिंग, क्योंकि अभी भी प्रॉक्सी फॉर्म्स आ रहे हैं, आ रहे लोग MGT 11 भेज रहे हैं, हम हमारा रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, तो उसको भी तो टाइम लगेगा ना. तो इसलिए आप प्रॉक्सीज अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट इंस्पेक्टिंग 1 day बिफोर द मीटिंग, मतलब 24 hours बिफोर द मीटिंग. एंड इंस्पेक्शन कैन हैपन टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. और एक बात बोलनी है, तुझे देख के बोल रही हूं मैं. सुन, मतलब सुनो आप लोग सब, इंस्पेक्शन भी अगर करना है अग्रीड 24 hours बिफोर, बट ऐसा नहीं होता है रात के 12 बजे चले गए, सुबह के 5 बजे आ गए, चलो नींद नहीं आ रही है, सीरीज वीरीज देख के हो गया, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे, 12 बजे चले गए, मेरा ऑफिस है खोलो. ऐसा नहीं होगा कि सुबह 5 बजे उठ गए, हो गया बस मॉर्निंग वॉक, योगा वोगा हो गया, नहा धो के रेडी हो गए, बोले छोड़ो अभी तो क्या ब्रेकफास्ट, हाँ तो ब्रेकफास्ट करना ही है, अपनी कंपनी है, उधर ही जाके इंस्पेक्शन करते हैं, ब्रेकफास्ट डिमांड कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. तो ऐसे केस में अग्रीड वहां पे लिखा है 24 hours, बट आपने देखो, आपको पता है लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लेना. 24 hours को इमोशनली होके उधर मत चले जाना आप सुबह के 5 बजे, ठीक है? 24 hours में भी यू आर सपोज टू गो ओनली ड्यूरिंग द रीजनेबल बिजनेस आवर्स, विच इज लाइक मॉर्निंग 9 to evening 6, ओके? नॉर्मल बिजनेस आवर्स, उसी टाइम पे आप जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हो इंस्पेक्ट, ओके? तो बताओ इंस्पेक्शन के लिए कितने डेज प्रायर नोटिस देनी है? 3 days प्रायर नोटिस दोगे. आपने अगर नोटिस नहीं दिया है, आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते. कल जाके चलेगा ना ये मीटिंग के दिन ही? मीटिंग 11 बजे है, चलो 10 बजे गया, सुबह 5 बजे चलेगा ना? चलेगा सुबह के 9 बजे और कहा आई वॉन्ट टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड, विल ही बी अलाउड टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड? ये मेंबर भले ही है बट फिर भी वो प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड इंस्पेक्ट
नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसने 3 डेज प्रायर नोटिस नहीं दिया है, क्योंकि इसने 3 डेज प्रायर नोटिस नहीं दिया है। तो इंस्पेक्शन के लिए, सुनो मेरी बात, इंस्पेक्शन के लिए आपको 3 डेज प्रायर नोटिस देना जरूरी है। यस, नोटिस फॉर व्हाट? नोटिस आप इसीलिए दे रहे हो कि आप डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हो कि आप जो प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड है ना, उसको आप करना चाहते हो इंस्पेक्ट। आप तो मेंबर हो, आप मेंबर की तरह मीटिंग में गए हो, बट आपको ये जानना है कि कौन से मेंबर्स मीटिंग में नहीं आए हैं और उन्होंने अपॉइंट किए हैं प्रॉक्सीज, वो आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसी के लिए आपने दी है नोटिस। गॉट इट? अच्छा, और एक, रुक जाओ, ये कवर होगा, अभी होगा, आज के सेशन में ही होगा, थोड़ा सा आपको सबर करना होगा। एक काम करते हैं, आधा घंटा और लगने वाला है ये कॉन्सेप्ट को, तो अगर कुछ डाउट आ भी रहा है रोक लो उसको, बहुत जोर से आ रहा है, रोक लीजिए। मैं डाउट की बात कर रही हूं, ठीक है? और आफ्टर दैट, इफ यू फील दैट द डाउट इज स्टिल नॉट केटर, देन फिर आप क्या कर सकते हो, आपके डाउट को पूछ सकते हो, बट आई एम 100% श्योर सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे तब तक, ठीक है? चेक, एक है MGT 11, सुनो, दिस इज MGT 11, विच इज रिलेटिंग टू व्हाट? प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट का फॉर्म। और एक कंपनी ने क्या किया, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खुद का एक प्रॉक्सी फॉर्म बनाया है। मुझे बताओ, कैन योर आर्टिकल्स ओवरराइड द एक्ट? नो। शुड द आर्टिकल्स बी इन लाइन विद द मेमोरेंडम, इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट एंड इन लाइन विद ऑल द जुडिशियल प्रोविजंस? तो कंपनी ने क्या किया, कुछ फैंसी सा प्रॉक्सी फॉर्म बनाया, अपना लोगो वोगो डाल के, एड्रेस वेड्रेस डाल के, वेबसाइट के डिटेल्स, एकदम फैंसी सा प्रॉक्सी फॉर्म बनाया। बट ऑब्वियसली बात है, प्रॉक्सी फॉर्म अगर उन्होंने बनाया भी है, इट हैज टू बी इन लाइन विद MGT 11। ओके, बट नाउ एक मेंबर जो है, मेंबर ने क्या किया, उसने आर्टिकल्स का प्रिस्क्राइब्ड प्रॉक्सी फॉर्म नहीं भरा, उसके बदले उसने MGT 11 कर दिया सबमिट टू द कंपनी। MGT 11 कर दिया सबमिट टू द कंपनी। कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने ये प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट को बोल दिया कि ये इनवैलिड है, इस ग्राउंड पे कि आपने आर्टिकल्स को कंप्लाई नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी वैलिड है या इनवैलिड है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग वैलिड है, और कितने लोग इनवैलिड बोल रहे हैं? कुछ भी, सिर्फ 80% स्टूडेंट्स रेज योर हैंड फॉर वैलिड, बाकी कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ, व्हाट अबाउट यू ऑल? केतकी वैलिड, नितिन वैलिड, राधा वैलिड, वैष्णवी वैलिड, वैलिड 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 है। वापस से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर सेइंग ये प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो क्या 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 अभी क्या हुआ आपको पता है क्या? चल चाय लेते हैं अपन बेटा। बेटा यहाँ पे बंदे ने, ये मेंबर ने आर्टिकल्स का प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं भरा है, उसने MGT 11 ही सबमिट किया है, तो MGT 11 में तो MGT 11 ही रहेगा ना। मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ में आया इसने क्या बोला है। नहीं, पहले तो बताओ जवाब, ये अपॉइंटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है?
इनवैलिड आप बोल रहे हो, क्यों इनवैलिड है? अच्छा, क्योंकि उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉलो नहीं किया, बट उसने कंपनीज एक्ट फॉलो किया है। बट वहां पे तो हमने आर्टिकल्स को स्ट्रिक्टर बनाया था एज कंपेयर टू द एक्ट। दिस इज इट्स नॉट द सेम, इट्स जस्ट अ फॉर्म, और फॉर्म में हमने डिटेल्स पूछे है, और ये डिटेल्स, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, सुनो, यहां पे लॉ मेकर कहते हैं कि ये जो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट है, दिस प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट। प्रॉक्सी वैलिडली अपॉइंट हुआ है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रॉक्सी वैलिडली अपॉइंट हुआ है? सुन लो मेरी बात, एक फॉर्म है MGT 11 और एक फॉर्म है जो कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब किया है, बट आर्टिकल्स का जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इट हैज ऑल द डिटेल्स एज पर MGT 11। ये फॉर्म जब आपने बनाया है, आपने इसको मद्देनजर रखते हुए ही बनाया है। सिर्फ इसका फॉर्मेट अलग है, फॉन्ट अलग है, कुछ कलर्स यूज किए हो सकते हैं, थोड़ा सा फैंसी बना है। रिक्वायरमेंट्स जो है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो तो MGT 11 ही बताता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स तो वही हो गए सारे, मेंबर का नाम, मेंबर का सरनेम, कितने शेयर्स होल्ड करता है, कब से शेयर्स होल्ड करता है, किसको प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया है, प्रॉक्सी का नाम, प्रॉक्सी का एड्रेस, वही सारे डिटेल्स जो MGT 11 में है, वही सारी डिटेल्स आपने प्रॉक्सी फॉर्म आपके खुद के उसमें दिए हैं। अब मेंबर ने ये फॉर्म नहीं भरा, बट उसके बदले कौन सा फॉर्म भर दिया? MGT 11। तो जो डिटेल्स आपको चाहिए थी, क्या वो सारी डिटेल्स आपको मिल चुके हैं? विच वॉज द पर्पज ऑफ द फॉर्म? फॉर्म का पर्पज कितना फैंसी है वो नहीं है, फॉर्म का इंटेंशन और पर्पज है उसका कंटेंट। क्या डिटेल्स आपने लिखे है, वो डिटेल्स तो आपके एनीवेज विच हमें मिल रहे हैं, और इसीलिए लॉ मेकर ने कंक्लूड किया, भले ही आपने आर्टिकल्स का दिया फॉर्म नहीं भरा है, आपने भरा है MGT 11, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट। एक काम करते, तीन ही पॉइंट्स हुए हैं, आप पहले ये तीन पॉइंट लिख लो, फिर आगे के तीन पॉइंट्स हम करते हैं। नहीं, हम साथ में लिखने वाले, अभी नहीं बेटा, जब तक YouTube पे चालू है लेक्चर्स तब हम नहीं कर सकते। क्या? हाँ, वही चार्ट होगा ना। आपका सेकंड सी देखो, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसमें आपने प्रॉपर कोरम लिखा है, उसका नेक्स्ट बच्चा बनाओ अभी आप। बेटा संभालो अपने आप को, यहां पे क्यों आए उसको भूलो मत। और एक है, चेयरमैन है, सो दिस इज अ नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉक्सी, और ये है सेक्शन नंबर 105। कम ऑन वर्चुअल किड्स, देखो, आई विल जस्ट शो दिस चार्ट टू यू। आपने लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड का फर्स्ट सी लिखा है कोरम, अभी आप नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हो प्रॉक्सी, उसके बाद भी और एक पॉइंट है, दैट इज चेयरमैन, बट अभी आप प्रॉक्सी तो कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखो, कम ऑन गाइस, प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम पर्पस। Why is he not counted for quorum purpose? Because he is not a member personally present. Proxy will not be counted for quorum as he is not a member
पर्सनली प्रेजेंट. पॉइंट नंबर टू, प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड थ्रू फॉर्म बोलो फॉर्म एमजीटी 11. प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड थ्रू फॉर्म नंबर एमजीटी 11 which must be deposited with the company at least writing speed please match karo 48 hours. क्या हुआ, किसको क्या हो गया, एसी ज्यादा है क्या, टेम्परेचर इज 24. एटलीस्ट 48 hours बिफोर द Hey guys, very good afternoon. Hello everyone. कैसे हैं आप लोग? Are you having good time, guys? Hello live streaming. Welcome back. मैं आप लोगों बहुत सबको बहुत miss कर रहा था. पिछले 3 दिन से I'm trying to come for this lecture, but I was not able to do it. मेरे जो पापा हैं वो पापा is not well. He is admitted in the hospital. So एक heart में उनके ब्लॉकेज निकले दो, उसको कहते हैं एंजियोग्राफी करके. वी डिड वी अंडरस्टूड कि उनके हार्ट में देर आर 2 ब्लॉकेजेस एंड देन आफ्टर दैट वी डिड एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी में वो ब्लॉकेज को हटाते हैं, ग्राफी में देखते ब्लॉक है कि नहीं. सो उसके बाद नाउ स्टिल ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. सो मैम भी मुझे बोल रही थी कि आपको आना है. इवन आई वॉन्टेड टू कम बट ऐसा चीज आई हैड टू बी देयर प्रेजेंट. नाउ वो एंजियोप्लास्टी ही इज रिकवरिंग फास्ट बट स्टिल ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. तो मैंने कहा नहीं आता हूँ मैं अभी. नाउ इज फीलिंग बेटर, ऐसा हो गया. वरना मैं तो आने ही वाला था. वो फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसके बाद में सेकेंड डे थर्ड डे आई वाज सपोज टू बी हियर बट मैं नहीं आ पाया. एंड थोड़ा सा जब कोई बंदा आईसीयू में होता है तो इट्स लाइक थिंग्स आर रियली क्रिटिकल, तो वो चल रहा था. बट एनीवेज नाउ ही इज रिकवरिंग फास्ट. आपकी सबकी दुआओं से ही इज फीलिंग बेटर. थैंक यू सो मच. ओके गाइस, सो वेलकम बैक. सो मैम सॉरी टू डिस्टर्ब बट मुझे कुछ, आप क्या पढ़ा रही हो वैसे? प्रॉक्सी है? प्रॉक्सी के बारे में पढ़ा रही हूँ. मतलब कुछ एग्जांपल्स लेते नहीं, दो तीन ही पॉइंट्स हुए, तीन बचे हुए हैं अभी लेना है. अभी एक ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखवा दो फिर अभी इसके बाद माहौल बनाते प्रॉक्सी का. थर्ड पॉइंट लिख दीजिए ना. थैंक यू गाइस. लिखो मेंबर इज एंटाइटल्ड टू inspect the proxy forms deposited. Amar, my screen mein deposited with the company. A member is entitled to inspect the proxy forms deposited with the company by giving a how many days notice? 3 days. Yes, by giving a 3 days prior notice. And this inspection, ये कब से शुरू कर सकते हो आप इंस्पेक्शन? यस,
24 hours, है ना? And this inspection can be done before the commencement. Before the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting. And ending with the conclusion of the meeting. Done? तो अभी प्रॉक्सी का उन्होंने डेटा लिख दिया है. हाँ. Have you explained proxy? थोड़ा सा लिटरल पूरा हो गया? नहीं नहीं पूरा नहीं हुआ. Okay. 50% ही हुआ. तो चालू करें दोस्तों. Yes. थोड़ा सा प्रॉक्सी को डिटेल में समझ में लेते हैं. प्रॉक्सी को भी मैम वैसे आप जानती हैं बड़े बड़े कंपनीज के लिए मैंने शेयर्स लिए हैं. आई एम द ओनर ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज राइट. आप सभी को पता है मैं शेयर होल्डर हूँ या ओनर हूँ. थैंक यू सो मच. आई फील सो नाइस व्हेन यू कॉल मी ओनर. शेयर होल्डर सब पराया लगता है. ओनर बोलता है अपने बाप की लगती रही. सो वी आर द ओनर ऑफ सो मेनी कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, महिंद्रा, HUL, बहुत सारी कंपनीज, रिलायंस, MRF, बहुत सारी कंपनीज के. सर ने अभी प्रॉमिस किया था कि वैलेंटाइंस डे पे के ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 शेयर्स MRF के मेरे को गिफ्ट करेंगे. ये कब हुआ भाई? मैंने ऐसा कुछ मैं काम करूंगा. सिर्फ 5 ही तो शेयर डिवाइड कर रहे हो. 5 एस बैंक के शेयर देता हूँ. पेटीएम नहीं बोला. 150 रुपए में कहा हो जाए. सर लोगों को लगता है दिल आपका बहुत बड़ा है, ऐसे मत कीजिए, उनको निराश मत कीजिए. इस विषय पर अपन बात करेंगे. 5 करना है, 1 करना है राइट. एक कर लिया तो भी चलेगा. दे देंगे मैडम. ठीक है, आपके लिए कुछ भी है, पूरा पोर्टफोलियो आपका दे दूं मैं. बक्शे हाथा वका एक शेयर चलेगा. थैंक यू. तो कैसा है कि प्रॉक्सी के बारे में हम लोग बात करते हैं. बड़े बड़ी कंपनीज में क्या होता है, दे ऑल इनवाइट अस फॉर जनरल मीटिंग राइट. So every shareholder gets the notice of meeting. कि आ जाओ भाई, आ जाओ हवेली में. वैसे मीटिंग में करते क्या? बातें करते. बड़ा बहुत आगे जाएंगे. तो किस विषय पर बातें होती होंगी वहाँ पे? Hey, hi bro, what's up? I really missed you a lot. ऐसे. So they talk about lot of things. एक ordinary और एक special. कुछ चीजें होती हैं जो ordinary और कुछ चीजें special. So meeting के अंदर दो बातें होती हैं. एक कुछ खास और जो नॉर्मल है. सो वहां पे चल रही मीटिंग एंड वी ऑल आर इनवाइटेड. और बड़े बड़े कंपनीज नोटिस भेजती है, चाहे आप एक शेयर ले चाहे 10 ले, यू गेट इनविटेशन. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग कभी मीटिंग जाते नहीं, कोई भी नहीं जाता, बिकॉज हमारे जो क्वांटम ऑफ शेयर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं कंपनी के वैल्यू के सामने. तो हमारी वैसा भी हम लोग कुछ उखाड़ने वाले नहीं जाकर राइट. आई एम टेलिंग यू सीरियसली राइट. सो मतलब जाता कौन है फिर? मतलब सो एज एन एक्सपीरियंस यू जस्ट विजिट देयर. अब जाकर बैठो, यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन गो देयर, यू कैन विजिट देयर. जाता कोई है नहीं. सर कौन जाता है? शौकीन भाई, एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहेंगे. बट देर आर सो मेनी पीपल, दे आर क्लोजली इन्वॉल्व इन द बिजनेस. देयर शेयर होल्डिंग इज सो मच. मे बी एग्जाम्पल द म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती है एंड दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन द कंपनीज. लाइक दे हैव इन्वेस्टेड 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ एक एक कंपनी में लगाते हैं. जैसे HDFC में 20,000 करोड़ लगा दिए, रिलायंस में 10,000 करोड़ लगा दिए. मान लो एक म्यूचुअल फंड के पास में, तो उनके पास में 100,000 करोड़ होते हैं एंड दे इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. तो फिर ऐसे लोगों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है. अगर मैं 10-5 शेयर लेके बैठा तो मैं वैसे भी क्या ही कर लूंगा, और मतलब क्या करूँगा, अगर कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो क्या होगा, मैं तो 10 शेयर लेके बैठा हूँ. बट कुछ लोगों का बहुत कुछ होता है. उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है FII, सुना है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ये बड़े बड़े लोग होते हैं, LICs. इसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो क्या करती है, बहुत बड़ा बड़ा निवेश करती है किस कंपनी में. तो उस कंपनी का अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इनका बहुत कुछ हो सकता है.
जिसे LIC ने अडानी में बहुत पैसा लगाया है। LIC ने अडानी में बहुत पैसा लगाया हुआ है। जिस दिन अडानी बर्बाद हो रहा था, मैं वो रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो LIC के रेट भी गिर रहे थे। क्योंकि ये सर LIC का क्या संबंध है? LIC किसकी है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट की। अडानी किसका है? नहीं, गवर्नमेंट। अडानी किसकी? अडानी अडानी की। सर सर LIC ने क्यों लगाया, समझ लो बात को। समझ गए? नहीं समझे, अकेले में समझाएंगे। कुछ लोग समझ नहीं पाए क्यों LIC का क्या संबंध है ना, बहुत बड़ा है, बहुत गहराई है। अब सब लोग राजनीति को जानते हैं। एंड दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, यू नो, द इंटरेस्ट ऑफ अडानीज, एंड दे हैव इन्वेस्टेड सो मच। अब क्या होता है ना, अडानी के अंदर अगर इतना पैसा लगाया हुआ, तो अडानी अगर गिरेगा तो LIC गिरेगा। तो ऐसे केस में LIC के लोग वुड लाइक टू सिट इन द मीटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, कि भाई चल क्या रहा, हमें मीटिंग में आना है। क्योंकि उनका 1-2 रुपया नहीं लगाया, 10,000 करोड़ लगे, 20,000 करोड़ लगे। तो दे आर हेविली इन्वेस्टेड। सो ऐसे लोग मीटिंग में जाके बैठते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जाके, हम लोग भी बैठेंगे। ओके एवरीवन, तो चलो ऐसा मान लेते हैं हम लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, हम लोग रिलायंस के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। एंड आई एम इन्वेस्टर हेविली ऑन रिलायंस। मैंने आज तक जितना कमाया सब रिलायंस में डाला हुआ, एंड अब मुझे मीटिंग को जाना है। बट क्या मेरे दोस्तों का कॉल आया कि अपने गोवा इस समय जाना बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, इमरजेंसी। गोवा में जाना है, एंड आई फील दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई वॉज सपोज गो टू बॉम्बे टू अटेंड मीटिंग, बट उस समय दोस्त का कॉल आया, ये सब बकवास है, उधर माहौल बनाएंगे, लेट्स गो टू गोवा, राइट? सो आई वॉज इन्वाइटेड फॉर गोवा, एंड आई थॉट ऑफ गोइंग गोवा। अब मैंने सोचा है काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि मीटिंग में भी जाना हो जाएगा और गोवा के मजे भी हो जाएंगे। तो आई स्पोक टू मिस अंकिता, एंड आई तो एक काम करेंगे हम, ऐसा कुछ उनको बोल रहे हैं। तो नो शी मैम, आप जाएंगे हमारे बिहाफ में, मतलब मैं गोवा में बहुत एक इमरजेंसी कुछ क्लासेस के संबंधित काम के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लास में वहां पर सोच रहा हूँ मैं गोवा में कुछ एक्सपेंशन करूँ। द लॉट ऑफ सी इज इन गोवा, सो आई वुड लाइक टू गेट एनीबडी फ्रॉम गोवा हियर। ओके, हाय ब्रदर, व्हाट्स अप, खड़े हो जाइए। व्हाट्स योर नेम? ऋषिकेश, बड़ा ही धार्मिक नाम है गोवा। मैं सुन रहा था तुम्हारा नाम कुछ ऐसा नहीं कि बरबोजा टाइप ना है मैन। सो हाउ आर यू ब्रदर, कहाँ रहते हो गोवा में? मिलेंगे बहुत जल्दी, अकेले में। वैसे वैसे गोवा में तो सब पता ही होगा ना, तो मैं कैसे सब कुछ अच्छी अच्छी बात समझे हर चीज। गोवा इज सच ए फैंटास्टिक सिटी, राइट बेटा? राइट। तो नहीं, तो ऐसा है कि मैडम अभी मैं जाता हूं उधर, आपकी 4 दिन बाद मैं नौटंकी बंद करो। लड़कियों के पास में इतना बड़ा वेपन है दुनिया में, आपका सारा मैटर बाजू में, मतलब सारी सच्चाई खत्म हो जाती एक आंसू के सामने। तुम क्या जानो एक आंसू की कीमत। अब बताएंगे क्या, आई एम रेडी टू अपॉइंट यू एज माय प्रॉक्सी। आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट, यू आर गेटिंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। व्हाट? नो भाई, आपको चांस मिल रहा है, आपको रिलायंस के मीटिंग में भेज रहे हैं। व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ सर? हमको भाड़ में गई रिलायंस, उधर के मजे दिलाओ क्या है? देखो आपको बहुत अच्छे काम के लिए भेज रहे हैं। मैं गोवा जाती हूँ। आप बॉम्बे जाओ। देखो कैसा है, वहां पे बॉयज बॉयज जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जाके आ जाएंगे, कुछ 2-3 मंदिर है वहां पे, 1-2 चर्च है, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। ये सब तुम क्या करोगे इधर, तुम कॉर्पोरेट काम करो जहाँ पे बड़े बड़े डील्स हो रही है। तो चलो मैम को मैं बोलता हूँ, मैम नाउ यू आर अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी, एंड शी इज, क्या ये प्रॉक्सी बोलकर जा सकती है? यस और नो गाइस? क्या मैंने ओरली बोलना चाहिए या फिर आई शुड अलाउ हर इन राइटिंग, मतलब राइट करना जरूरी है? एक मेरा सवाल है, देखते मैम ने कवर किया नहीं, आई डोंट नो। वेदर प्रॉक्सी विल बी अलाउड टू स्पीक इन द मीटिंग,
नहीं वो कवर नहीं हुआ है। हाँ तो मैं बस बहुत अच्छी बात है कवर नहीं हुआ। लॉजिकली माय क्वेश्चन इज वेदर अंकिता मैम वुड बी एबल टू स्पीक इन द मीटिंग, शी इज नॉट अ शेयर होल्डर, शी इज अ प्रॉक्सी, क्या वो जाकर वहां पे बोल सकती है? लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप बताएं, कोई तो बताए वहां से, आप लोग को लग रहा बोल नहीं पाएंगी, सोच के बताइए। शी शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक, मतलब कोई मुद्दा आ गया तो शी कांट एक्सप्रेस हर ओपिनियन। कमाल करते हो फिर प्रॉक्सी मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपको वहां पे भेजा जा रहा है, आपको अपॉइंट किया जा रहा है प्रॉक्सी के लिए, बट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। लॉ में लिखा है, देखते कितने लोग बताएंगे, लॉ की एक लाइन है कि प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक, प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू। अब एक बंदे को एक बार भिजवा दिए, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, कॉन्वेंट एक नंबर, क्या लिखा था? प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक। ओके, उसने चिट्ठी बनाई और लिख के दे दी। तो बोले ये क्या है? बोले ये वही है जो मैं बोलना चाह रहा था। बोले यू आर आई वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। बोले मैं क्या बोल रहा हूं? आपने बोला मत बोलो, मैं सिर्फ जो लिख के दिया। बोले आप लिख भी नहीं सकते। बोले कहां लिखा है ऐसे, ये कहां लिखा है कि मैं लिख नहीं सकता हूं? लॉ में क्या लिखा है? अब मैं क्या कर रहा हूं आपसे? मेरा सवाल है बंदा सही कि गलत है? क्यों भाई? लॉ में लिखा है प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक। स्पीक मने बोलना। वो बोले मैं बोलूंगा ना, जानते हो ना क्या है, राइट? मैं बोल नहीं सकता हूं, पर मैं, मुझे बताओ आपके हिसाब से whether he should be allowed to speak? No, he is allowed to write. कितने लोग लगता है? No, पर लॉ में तो ऐसा लिखा है। इसीलिए हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है IOS, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो मैं पढ़ाऊंगा, जहां पे लिखते हैं समटाइम्स यू हैव टू गो बियॉन्ड वर्ड्स, समटाइम्स यू कैन नॉट गो फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन। मराठी में बोलते हैं इसको, नेहमी तुम्हें शब्दशा अर्थ धरू शकत नहीं, यानी कि ऑलवेज यू कैन नॉट इंटरप्रीट विथ लिटरल मीनिंग, समटाइम्स यू हैव टू गो बियॉन्ड द वर्ड्स। आपको शब्दों के, आपको ये सोचना पड़ेगा उस समय लॉ मेकर की लिखने की मंशा, लॉ मेकर क्या, अरे उसको क्या लगा प्रॉक्सी ऐसे लोग बोल नहीं सकते, आई मीन प्रॉक्सी, अरे मतलब प्रॉक्सी मजाओ क्या बाहर, नहीं नहीं बेटा प्रॉक्सी बोल नहीं सकते, तो लिखा है उसको क्या मालूम। यहाँ पे बहुत लोग बुद्धिजीवी है इंडिया में, तो आप जानते हो जहां पे लॉ मेकर की सोच खत्म होती है। अच्छा बोल नहीं सकते, वो लिख तो सकती है, कहा लिखा है, बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, बोलो। तो लॉ मेकर इस समय पे, जब वो बंदा जो प्रॉक्सी है और जो लॉ जो जो वहां पे कंपनी बोल रहे, आप बोल भी नहीं सकते हो, अब लिख भी नहीं सकते हो, वो बोल रहे लिखूंगा तो मैं, अब दोनों का झगड़ा हुआ। ऐसे समय पे लॉ की लाइन पड़ गई, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक। कंपनी को लग रहा है कंपनी सही बोल रही है, प्रॉक्सी को लग रहा है प्रॉक्सी सही बोल रहा है, दोनों का आ गया कोर्ट में, गए कोर्ट में क्या यूज होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जज बोलता है रुको, जब लॉ मेकर को यह कहना था कि प्रॉक्सी ने बोलना चाहिए नहीं, इसका अर्थ ही लॉ मेकर तो यही सोच रहा होगा कि ऐसे लोग आके वहां पे बीच बीच में ना करें। नहीं मतलब पीपल लाइक प्रॉक्सी, नो ऑफेंस बट पीपल लाइक प्रॉक्सी शुड नॉट इंटरफियर। जब बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं, ऐसे लोगों ने बोलना नहीं चाहिए। क्या मजा आ रहा मुझे। अभी साला मेरा पढ़ाना भी हो रहा है और भड़ास भी निकल रही। और मैम को तो यू कैन नॉट से, मैं तो पढ़ा हूं। सो ऐसे लोग ना बोल सकते हैं, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कहता है जनरल रूल, इसको कहते हैं लॉजिकल रूल। क्या होते हैं? लॉजिकल रूल। और लॉजिकल में क्या होता है कि आपने लॉजिक दिखना चाहिए। अगर वो बोल रहा है बोलना नहीं चाहिए, इसका अर्थ ही हो रहा है कि वो नहीं चाहता कि ऐसे लोग बोले भी ना लिखे कुछ इंटरफेयर करे, चाहे वो लिखकर हो, भले वो सिर्फ लॉ में लिखा होगा बोल नहीं सकते, पर उसके अंदर ही मीनिंग है, भले लिखा नहीं है पर जब वो बोल नहीं सकता, इसका अर्थ ही बोल भी नहीं सकता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नाम का चैप्टर पढ़ाया जाता है। कभी कभी लोगों को लगता है अंकिता जी कि जिसका इंग्लिश अच्छा वो बहुत बड़ा लॉयर बन सकता है। ना, इंग्लिश से आदमी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। लॉ को इंटरप्रेट करने वाले जो बड़े बड़े दिग्गज आज भारत में हैं, वो बहुत ही कम है जो कॉन्वेंट से पढ़े, जैसे उज्जवल निकम, बहुत बड़े लॉयर्स, बहुत बड़े, आपने सुना होगा उज्जवल निकम कसाब के केस में, वगैरह सलमान खान के केस में उज्जवल निकम, आपने कभी कपिल सिब्बल के बारे में सुना होगा? अरे बोलो भाई, कपिल सिब्बल नहीं सुना? कपिल सिब्बल आपने कभी हरीश सालवे के बारे में सुना होगा? ये भारत देश के ऐसे बड़े बड़े लॉयर है, ना कि ये जो हरीश सालवे है और ये जो उज्जवल निकम है, दोनों के दोनों महाराष्ट्र से हैं और मराठी मीडियम से पढ़े हुए। मात्र इंग्लिश आकर ही आप लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए आपको यह देखना होता है कि लॉ मेकर ने जब यह लॉ बनाया था क्या सोच के बनाया होगा। अगर आपकी सोच उसकी सोच से जिस समय मैच होने लग जाती है, आप लॉ का इंटरप्रिटेशन सही करने लग जाते हो। यू शुड नो एग्जैक्टली उस समय पे उसके दिमाग में लॉ लिखते समय क्या ऐसा आपके दिमाग में उसका दिमाग इवेल्यूएट करने आना चाहिए, क्यों क्या सोच के लॉ बना रहा होगा। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आप लॉ को सही ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हो। और आपने एक बार लॉ को सही ढंग से आपको पकड़ने आ गया तो भाई साहब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, देयर सो मेनी, अंकिता जी ऐसा है कि देयर सो मेनी पीपल हु डिड सीए बट लेटर ऑन दे डिड लॉ, दे डिड एलएलबी एंड दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन सीए, दे आर प्रैक्टिसिंग इन व्हाट, एंड दे आर अर्निंग ह्यूज। भाई लॉयर्स बन गए सीए का काम छोड़ के, हरीश सालवे सीए है, काम सीए का नहीं कर रहे, लॉयर का। 20 मिनट की फीस 20 लाख होती साहब, 2100 मिनट करेंगे वो पूछते हैं और मीटर बढ़ाए, टॉप अप करना है, रिचार्ज मारना है और मीटर डाउन, 20 मिनट खत्म और 20 चले गए। भैया वो कौन है ये समझिए, इस सब्जेक्ट की ताकत बहुत बड़ी है। अगर आपको लग रहा है केवल सीए इंटरमीडिएट पास होने के वास्ते अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपकी सोच गलत है। अगर लॉ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े शानदार लॉयर आप बन सकते हो और इतना पैसा कमा सकते हो। अनशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ में ये डायरेक्ट टैक्स भी लॉ है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लॉ है, इनमें क्या होती है एडवाइजरीज होती है। यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। इसलिए लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर आप समझो कि लॉ को इंटरप्रीट कैसे किया जाता है, बहुत बड़ा आपका दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, आपको पता होना चाहिए लॉ बनाया क्यों होगा, क्या चल रहा होगा उस समय भारत देश में जिसकी वजह से लॉ। तो अगर वो समझने आ गए, वो पकड़ अगर आ गए आपकी आ गई ना, यू कैन बी द बेस्ट लॉयर और फिर आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप जब सीए इंटर में आए हो तो देखो आप थोड़ा सा अपने आप का थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करो। ये प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी के बारे में जैसे हम लोग पढ़ रहे, तो आपको जब आप सोचा अगर आप लॉ मेकर होते, ऐसे खुद को अगर मैं लॉ मेकर होता और प्रॉक्सी का सेक्शन बनाता तो मैं क्या क्या लिखता। और चलो एक केस मैम आपको पूछते हैं, सोचिए मैंने आपको अपॉइंट किया पर मैंने आपके बदले और किसी को अपॉइंट किया आपकी बात ऐसे आई वांट टू गो गोवा, पहले मैंने मैम को अपॉइंट किया पर अब मैं कहता हूं कि नहीं नहीं काम करेंगे मैम नहीं, मैंने आप क्लास संभालो, मैं किसी, मैंने पहले इनको अपॉइंट किया फिर अभी किसी और को अपॉइंट कर लिया। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जस्ट शट अप, व्हाट, समझ गए भाई? मतलब अब ऐसा कुछ मत समझे, ऐसा कुछ कुछ समझने लायक क्या था उसमें? हाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने यहाँ पे अपॉइंट किया। बेटा आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? समीक्षा। तो पहले अंकिता जी को अपॉइंट किया हमने। अच्छा बेटा इधर प्लीज कम, अब लिख रहे हो? हाँ, आर यू ओके? आई एम मोर देन हैप्पी, आई विल कम टू गोवा। अब मुझे बताओ, मैंने इनको अपॉइंट किया फिर इनको अपॉइंट किया, आप मुझे बताओ अब क्या होगा, कौन जाएगा मीटिंग में? आपका नाम क्या बेटा? समीक्षा। अब समझे नहीं, ये प्रॉक्सी, आप सोचो ना, प्रॉक्सी सेक्शन जब लॉ मेकर बना रहा होगा
तो उसने विविध ऐसे चीजें सोचोगे कि लोग क्या क्या कांड कर सकते हैं। पहले इनको अपॉइंट किए, चले गए, ये यहां पे बोलने लगे, चुप, लिखने लगे, चुप, एक प्रोविजन खत्म। अब क्या हुआ, इनको अपॉइंट कर लिया, हमने इनको भी कर लिया, अब दोनों के दोनों मीटिंग में चले गए, ये बोलते मैं, ये बोलते मैं, दोनों बोल रहे मैं आई एम द प्रॉक्सी ऑफ एसपी। कहां से बेटा? पुणे। ये समीक्षा फ्रॉम पुणे, अंकिता जी फ्रॉम पुणे, दोनों जाके लड़ लिया आपस में। अब मुझे बताओ फैसला आपके, बेटा ऑल ओके? आपसे मेरा सवाल है, कौन जाके बोलेगा मीटिंग? नाउ हु इज द मेन प्रॉक्सी? दोनों भी? इधर लाइव स्ट्रीमिंग वाले बोल रहे सर अंकिता मैम प्रॉक्सी, समीक्षा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी है कौन भाई? अरे आप बोलो, आप क्या ऐसे क्या? हाँ जी अंकिता मैम, कितने लोग लगता है अंकिता मैम प्रॉक्सी? पहले उनको अपॉइंट किया था मैंने, आपको भी खुद बोल लगता है ऐसे? अरे कम से कम। अरे भाई आप तो आपके ऊपर बोला सर मैं, आपको भी लगता नहीं आपने बोलना चाहिए मीटिंग में? She was appointed first. नहीं, I know she was appointed first, but फिर भी ये आपका भी तो कोई दिल है। आप भी गई वहाँ पे मीटिंग में? आपके हिसाब से कोई समीक्षा के फेवर में? हाँ, मतलब समीक्षा होना चाहिए। और अंकिता मैम के लिए भी काफी लोग बोल रहे हैं, जिसका नोटिस पहले गया था। मैम इसका जवाब आप बताइए लॉ के हिसाब से क्या है? ओके। हाँ प्लीज बताइए प्रोविजन क्या है? अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई? ओके प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। तो सेक्शन नंबर 105 के हिसाब से लॉ मेकर कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी, जो लेटर प्रॉक्सी है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज रिवोकेशन ऑफ द प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी। तो जैसे ही आपने प्रॉक्सी टू अपॉइंट किया है सर, मेरा जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी रिवोक्ड। कैसा महसूस कर रहे हैं? धोखा। ठीक है, अभी अकेले जाने दो भाई। बॉयज स्टैक, सिंगल बॉयज की भी कोई लाइफ होती है। हाँ मैम, जैसे अब क्या बोल रहे, कौन से क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी एक्ट्स एज ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी। तो ऐसे केस में अगर सर ने मेरे बाद समीक्षा को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया है, दिस विल एक्ट एज ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ माय अपॉइंटमेंट एज प्रॉक्सी। तो अगर मैं भी मीटिंग में गई हूं और समीक्षा भी अगर मीटिंग में गई है, मैंने भी वोट किया और समीक्षा ने भी वोट किया, तो अब आप बताओ प्रोविजन सुनने के बाद किसका वोट वैलिड होगा? वेरी गुड, क्या बात है। क्या क्या कहना चाहोगे अब? कुछ नहीं। हुज वोट विल रिमेन वैलिड? डर रही हूं मैं से। नहीं, डोंट बी स्कैर्ड। आप बताओ किसका वोट रिमेन शुड रिमेन वैलिड? माइन। योर वोट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बराबर है। अभी तक दो पॉइंट हमने प्रॉक्सी में देखे। एक, प्रॉक्सी बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। दूसरी बात, प्रॉक्सी को अपॉइंट दो अपॉइंट किया, तो जिसको बाद वाला अपॉइंट किया है, यानी कि समीक्षा इस केस में, उनके वोट को वैलिड माना जाए। बड़ा थैंक यू सो मच। यस, वो होना चाहिए। और एक क्लब करेगा? हाँ हाँ, वो बता रहे, दो मिनट। हाँ, बस वो बता रहे बेटा। हाँ जी, अभी और एक केस ले लेते। हाँ एक केस, अब आप केस तो जरा बताओ। ओके अब सोचो, मेरा गोवा जाते थे प्लान चेंज हो गए। करवाया गया। और एक बता, इन्होंने कहा तुम्हें क्या खुशी हो रही भाई? और उसमें ताली बजाने की जरूरत है? वो खुश हो रहे हैं कि सभी का ऐसा ही होता है भाई। व्हाट कट गया, क्या कट गया भाई? अरे चिचोरो, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। तुम लोग एटलीस्ट बॉय शुड सपोर्ट मी राइट, कि जा रहा है भाई बेचारा बंदा अकेला जा रहा है। नहीं वो खुश है, इतने धार्मिक काम के लिए जा रहा है। हाँ। अरे भाई देखो, पहले मैं जाके सब रिव्यू करके पहले मैं जाके सब देखता, रिव्यू करता, देखता अगर आपके लिए अच्छा मेरा। एनीवेज बच्चों, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पहले इनको हमने अपॉइंट किया, बाद में मेरा प्लान चेंज हुआ, हम दोनों जाके बैठ गए मीटिंग में। नाउ द क्वेश्चन इज, किसको माना जाएगा वैलिड? आई एम माई सेल्फ इज द शेयर होल्डर सिटिंग इन द मीटिंग, ही जस्ट अ प्रॉक्सी सिटिंग इन द मीटिंग। वो भी बोलने लगी, हम भी बोलने लगे, दोनों साथ में बोलने लगे। शाम को मिलते आज।
अकेले रहे। अरे मेरी माँ सुन लो। दोनों बोलने लगे, अब बताओ उन्होंने एक वोट किया, हमने भी एक वोट किया, बताइए किसका वोट वैलिड माना जाए, मतलब प्रॉक्सी की इज्जत मेंबर से ज्यादा, क्या हमारी इज्जत कुछ नहीं? वोट नहीं बे, नहीं सर आपके वोट नहीं, आपकी इज्जत नहीं बोल रहा, क्या आपको लगता हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या आपको लगता नहीं कि वोट थोड़ी सी इज्जत ले लो, मतलब क्या आपको लगता नहीं मेन मेंबर की भी इज्जत होना चाहिए? When she's appointed as a proxy, she's speaking, I am also speaking. She's having different opinion, I also have different opinion. Dono ne vote kar diya, batao kiska vote valid? Kitne log mere favor mein? I'm the main. Okay. Aur kitne log inke favor mein? Very few. Bataiye ma'am, log. Bataiye ma'am, log kiske favor mein? Okay. To starting mein maine jab 105 शुरू किया था पढ़ाने के लिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉक्सी होता है, ही इज अ काइंड ऑफ एन एजेंट, एजेंट होता है वो मेंबर के लिए, मतलब मेंबर प्रिंसिपल और एजेंट कौन है? प्रॉक्सी है। तो आप एजेंट को कब अपॉइंट करते हो? आप एजेंट को तब अपॉइंट करते हो जब आपको खुद को वो काम करना पॉसिबल नहीं है, बट जब आप खुद वो काम कर लेते हो, ओके, तो मेंबर जब खुद मीटिंग अटेंड करता है, मेंबर जब खुद मीटिंग अटेंड करता है, तो इस केस में सर भी गए, मैं भी गई मीटिंग में, सर ने भी वोट किया और मैंने भी वोट किया, बट सर जैसे ही मीटिंग में आते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल हिमसेल्फ इज अटेंडिंग द मीटिंग, थैंक यू, देन दिस विल एक्ट एज रेवोकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइस। सर का ही वोट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड वोट। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। मैम सारे प्रॉक्सी के प्रोविजन हो गए या एनी मोर प्रोविजन? एक मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग केस, बिल्कुल ट्विस्ट कराओ, और ये सही जवाब देंगे तो मेरी ओर से 1001 रुपए का इनाम आज ही प्राप्त करेंगे, जीपे देंगे। क्या बात, तुरंत शट अप, यूपीआई करेंगे। आई नो यू व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग। मैं इनको वही बता रही थी, डे वन पे ऐसे भोली भाली शक्ल लेके आए थे, प्लीज डोंट थिंक सो मच, आप भी शब्दों की इंटरप्रिटेशन से दूर जाओ। ओके एनीवेज, चलो एक सही केस लेते हैं, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस केस। भाई साहब बात है कौन जीतेगा, एक चांस बॉय को और एक चांस गर्ल को। आज अपनी कैपेबिलिटी शो करने का टाइम आ चुका है, जबरदस्ती हाथ में उठाओ तभी, क्योंकि आप अपने पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके माइंड इट। और अगला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ओके आप मैम को स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ जी। ओके सो द डेट ऑफ द मीटिंग इज 10th जुलाई और मीटिंग है दोपहर की 2 बजे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, मेंबर है और मेंबर को मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये मेंबर है, सर है, और क्योंकि उनको मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, मेंबर ने क्या किया, उन्होंने अपॉइंट किया किसी प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी की तरह जो अपॉइंट हुई है, दैट इज आई एम अपॉइंटेड एज द प्रॉक्सी। से आई वॉज अपॉइंटेड एज द प्रॉक्सी ऑन द 7th of July, ठीक है, 7th जुलाई को मेरे को अपॉइंट किया गया है और सर ने मेरे को अपॉइंट किया है सुबह के 11 बजे, और जैसे ही सर ने मेरे को अपॉइंट किया इवनिंग में तुरंत मैंने क्या किया, ये प्रॉक्सी फॉर्म जो है कंपनी के पास कर लिया डिपॉजिट। तो ऐसे करके 7th जुलाई को ही शाम के 5 बजे आई गॉट दिस प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिटेड विद द कंपनी। बट जैसे वो नोकझोंक हुई हमारी, तो सर ने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया, अगले दिन समीक्षा को अपॉइंट कर दिया एज अ प्रॉक्सी। यू आर अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी, सो दिस इज फर्स्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी एंड दिस इज सेकंड अपॉइंटेड प्रॉक्सी, यहां पर समीक्षा। और समीक्षा को अपॉइंट किया गया है एज द प्रॉक्सी ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज 8th of July 11 AM।
बट समीक्षा ने इसी प्रॉक्सी फॉर्म को कंपनी के पास डिपॉजिट किया है ऑन द 9th of July, मे बी इवनिंग 5 PM. इंटरेस्टिंग. अब मीटिंग में मैं भी गई, समीक्षा भी गई. मैंने भी वोट किया, समीक्षा ने भी वोट किया. सही है. अब अगर आप चेयरमैन होते इस मीटिंग के, बताइए भाई साहब, 1001 रुपया, एक 1001 रुपया दो. तो आजा बेटा अकेले में, ठीक है. जो बहुत कॉन्फिडेंट है वो जवाब देना यहां पे. ओके, देयर आर सो मेनी ऑफ यू, राइट? इंटरेस्टिंग. ओ, कितने लोग को बहुत कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, दो हाथ ऊपर उठाए, दोनों का दोनों हाथ ऊपर, मतलब यू गाइस आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट. अरे है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. बता ना, क्यूट से आप लग रहे हैं, ऐसे ऐसे करें. ओके, रियली बेटा, बहुत लोग हैं जो जवाब देना चाह रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, किसको जवाब पहले, तो लड़का या लड़की, किसको चांस मिलना चाहिए? जिसकी आवाज ऊंची आएगी, लड़कों को चॉइस. सारे लड़के हाथ नीचे करें, पहले देखते हैं. फर्स्ट चॉइस ओनली फॉर बॉयज. अब बॉयज में से कोई सच में जो, अब अगर एक, अच्छा मेरे साथ, अगर आपने गलत जवाब दिया तो 500 आपसे हम ले लेंगे, और अगली छात्रा को सवाल पूछेंगे 1500 रुपए के लिए. तो देखते हैं बेटा, आप जवाब देना चाहते हैं, आ जाओ. चलो ठीक है, दिस बॉयज कमिंग टू रिप्रेजेंट ऑल द बॉयज. पादे, एक गाना लगाना, जल्दी से पापे, जरा वही रुकना, जरा पापे का स्वागत करेंगे. अरे पापे, रुको रुको, वही रुको. If you're feeling this bop, put your hands up. If you wanna get down, put your hands up. One time, let me see you just move with it. Everybody in the party, just move with it. If you're feeling this bop, put your hands up. If you wanna get down, put your hands up. What? What? You can get it right now. Say what? You can be my man and I'll be your wife. Uh-huh. You can get it right. Oh my God! Say what? You can be my man, and I'll be your dance wife. Come on, pay pyar karke. Anyways, guys, welcome back. Zordar taali se swagat, Mr. Poppy ka. Okay. Bada, bahut logon ki ummeed jagayi hai aapne yahan pe. Everybody is so excited. Ek baar Zordar taali, bahut acche se jawab dene wale. Bada, aapko sawal pata hai? Please answer this question. सर, मैम का फॉर्म है ना, जमा हो जाएगा क्योंकि वो 48 आवर्स के अंदर आ रहा है, और समीक्षा का फॉर्म जमा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 5 PM पे जमा हो रहा है. तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मैम एज अ प्रॉक्सी वहां पे जाएंगी, मतलब कंसीडर होगा. यानी कि आपके हिसाब से प्रॉक्सी कौन माना जाएगा? मैम. श्योर अबाउट इट? यस. लॉक किया जाए? यस. आर यू श्योर अबाउट दिस? यस सर. पक्का? यस. वैसे क्या नाम है जी आपका? गुरचरण सिंह. कहाँ से है आप? हरियाणा. एक बार जोरदार तालियां, मुझे लगता है इसका जवाब, एक बार जोरदार तालियां, इनका जवाब बिल्कुल सही है. वाह, अमेजिंग. जय बात, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही जवाब दिया. अभी करेंगे जीपे. बेटा आप बताएं मुझे, आप हरियाणा से इतने दूर, वैसे आप पूछना चाहेंगे कितने दूर है हरियाणा यहाँ से? नियर अबाउट 900 किलोमीटर. अरे ज्यादा होगा उससे थोड़ा सा, और थोड़ा सा बढ़ा दो. नियर अबाउट बोला भाई. हाँ, कोई बात नहीं. मान लो 1500 किलोमीटर तो होगा आराम से. वेरी गुड यार. कैसे, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा है आज यहाँ पे आए तो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. आर यू हैप्पी? यस. आपने इतना अच्छा, स्टेट विनर सिंगर
स्टेट विनर सिंगर है अब ए बाबे तो माहौल तो बनने वाला है आज. वैसे तब तक जीपे कर लूं नंबर पहले, वो जरूरी है. हाँ हाँ जी कर देंगे. वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि समीक्षा क्या करती तो वो बन जाती प्रॉक्सी. सर अगर वो क्या नाम है समीक्षा, टू पीएम समीक्षा. हाँ समीक्षा क्या नाम बेटा, यहाँ पे देख सकते बोलिए. ये राइट वाला समीक्षा गई थी 9 तारीख को 5 बजे शाम में. हाँ. और मीटिंग थी 10 जुलाई को 2 बजे. हाँ. तो समीक्षा कब जाती तो बन जाती प्रॉक्सी? 8 तारीख को अगर वो जाती वो भी 2 PM तक. 2 PM सही कह रही है. हाँ सही कह रहा है. समीक्षा अगर 8 तारीख को जाती और 2 PM से पहले अपना फॉर्म जमा करवा देती समीक्षा. हाँ, तो मैं उनका पत्ता कट जाता है. भाई माहौल बना रहा है. ये सब आपके वजह से हो रहा है. मैम व्हाट इंप्रेशन यू आर क्रिएटिंग ऑन द किड्स? सी नहीं नहीं मैम, दिल में बहुत रिस्पेक्ट है. दिल में बहुत रिस्पेक्ट है मैम. कल आप ही आओगे पहले. बताना सर अपना नंबर दीजिएगा. 9306 मौके पे चौका. 9306 9 22 22 378 378. आज तो बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चे का. भाई मैसेज मत करना कोई कि 1 रुपए भेजियो. बेटा ये 1001 रुपए आपके नाम पे हो चुके हैं ट्रांसफर. अभी हुए नहीं है. अरे हो जाएंगे भाई. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत बड़े. थैंक यू वेरी मच. क्या बात है. वो क्या एक थोड़ा सा गाना क्या सुना रहे आप, थोड़ा सा सुना दीजिए एक लाइन वाइन. और मतलब वाकई में तुमने प्रोफेशनली सीखा गानों को? Yes. कैसे सर अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे को आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है. मैंने ज्यादा वर्क नहीं किया उस पे. बेटा जैसा भी थोड़ा सा हम भी सुन ले थोड़ा सा. सो मैं अभी आपके सामने एक पंजाबी गजल गाना चाह रहा हूँ तो आप जरा सुन ले. आर यू रेडी यार? कम ऑन. अरे शो सम एनर्जी एवरीबॉडी. सोनी है जे तेरे नार ना सोने ओदे कमल. वाह वाह. ना सोने ओदे कमल सोनी है जे तेरे नार दगा मैं कमावा निरब कर मैं मर जावा. क्या बात. निरब कर मैं मर जावानी मुख तेरा वेख के ओ चन शर्मोंदा रब भी बना के तेनू आप पछतोंदा नी फुला जिहा दिल तेरा नी फुला जिहा दिल तेरा हुण ता दुकाबा निरब कर मैं मर जावा. क्या बात है. वाओ ऑसम. क्या बात है यार. क्या बात है. अरे जान अब जान तो कितना अच्छा गा रहे थे. सुपर. यहाँ पे भी रोज 1-2 मिनट हम तुम्हारा लेते रहेंगे. ओके अभी गाने का परफॉर्मेंस बहुत सही गा रहा था. अमेजिंग. बहुत सही. आपको कैसा लगा यार? अबे और ऐसे साधारण माइक पर यार कोई ना इसमें कोई वो सिस्टम है. मतलब अमेजिंग यार. सुपर. क्या नाम आपका बोले हमने? गुरचरण सिंह. गुरचरण सिंह के लिए सोदा डाले बेटा. थैंक यू सो मच. सुपर बेटा. रोज यहाँ पे आपको बच्चों को एंटरटेन कर रहा है 1-2 मिनट के लिए. ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच. बहुत आगे जाएंगे. एक बार बॉयज के लिए भी डालिए. बॉयज बहुत आगे जाएंगे. समीक्षा काश तुम थोड़ा जल्दी पहुंचती तो आप भी. एनीवेज आई थिंक प्रॉक्सी इज डन. वेयर कैन वी मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन? ओके गाइस आई होप You understood the section. कौन सा सेक्शन नंबर था? 105 नंबर का प्रॉक्सी सेक्शन. आई थिंक अलग अलग केस स्टडीज के माध्यम से मस्ती मस्ती में सेक्शन ही खत्म हो गया और आपको एहसास ही नहीं हुआ. वो बोलते हैं कभी डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया. अच्छा हो गया क्या इंजेक्शन? दर्द ही नहीं हुआ वैसे टाइप का. ओके मैम नेक्स्ट सेक्शन कम ऑन. चेयरमैन 104. ओके गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन आर यू रेडी? क्या आप मुझे बता सकते हैं रिलायंस की चेयरपर्सन कौन? क्या हम लोग यहाँ पे चालू कर सकते हैं? एक मिनट बताए. yes. मुझे यहाँ पे बच्चों को कुछ दिखाना है.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सेक्शन? सेक्शन नंबर 104 बराबर हो रहा हूं, 104. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर मुकेश अंबानी इन द हाउस. Dear shareholders, in the golden decade of Reliance, I am proud to inform you that it was yet another year of robust and record performance. Last year, Reliance became India's largest and most profitable company, both in the public and the private sectors. क्या चल रहा है भाई? बोर्ड मीटिंग के एजीएम चल रहा होगा, समझ आ रहा है? ये जो सारे लोग हैं वो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने शेयर होल्ड करके, वैसे शेयर होल्डर्स की संख्या तो लाखों में होती है. अगर मैं आपके सामने यहां पे दिखा दूं, मैं एक मिनट के लिए बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन रिलायंस. अमेजिंग भाई साहब, ये क्या क्या सीन इधर देखिए. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने क्वांटिटी यहाँ पे, ये क्वांटिटी कुछ ज्यादा नहीं है. टोटल इधर, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन रिलायंस कंपनी, क्या लिखा है इसमें, ये क्या लिख रहा है? 10, इतने तो ये शायद से 10% के लिए गया था ना. हाँ बराबर कह रहा हूँ ना मैं, ये देख लीजिएगा बहुत. यहाँ पे देखो the number of shares तो इतने हैं, एक बार चेक कर लीजिए. There's total number of shares, और shareholders शायद से कम हो सकते हैं क्योंकि मैंने भी बहुत सारे shares होल्ड, मैंने खुद ने हजारों की क्वांटिटी ली, बट मैं आपको थोड़ा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते, एक मिनट यहीं पे. तो इतने शेयर्स हैं, हाँ मान लो एक इंसान ने 10-10 भी शेयर होल्ड किए, तो डिवाइड बाय 10 कर लेना, 100 के तो 100 से डिवाइड हो गए. बट आपको लगता नहीं कि शेयर होल्डर्स की संख्या तो लाखों में होंगी? अरे बोलो भाई, तो फिर क्या जाने वाले लोग होते कितने हैं? इतने मात्र जो थोड़े से होते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं. देखते हैं मुकेश अंबानी इस समय पे कंपनी के कौन है. अगर मैं यहां पे देखता हूं रिलायंस के बारे में, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखता हूं, तो आपको यहां पे दिखेगा मुकेश अंबानी के नाम के साथ में आपको दिखेगा क्या नाम लिखा है. यही तो है चेयरपर्सन. आई होप ही इज जस्ट नॉट ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द चेयरपर्सन ऑल्सो. He is not only the managing director, he is chair. जरूरी नहीं कि दुनिया का हर MD chairperson हो, इसलिए बार बार कह रहा हूं, कभी कभी वो MD हो सकता है पर chairperson नहीं हो सकता, ये बंदा दोनों भी है. तो ये जो section 104 इनको applicable है, right? आप बताएंगे section की क्या बात हो रही है, ये section है, बताए मैम आगे क्या बोलेंगे. एक थोड़ा case study ले ले इसके लिए. बच्चों देखते हैं, मुझे यहां पे तीन पुरुष चाहिए और तीन महिलाएं चाहिए, जल्दी से आ जाए. राइट में तीन महिलाएं चाहिए, लेफ्ट में तीन पुरुष चाहिए, जल्दी से आ जाओ, कोई भी आ जाओ जल्दी से, प्रोसेस को नीचे ले लो. अरे जल्दी आओ, मौका मिल गया आपको आने स्क्रीन के ऊपर. तीन महिलाएं लेफ्ट में, तीन ओके वन, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ. ये आ गए तीन पुरुष मेरे, और आ जाइए आ जाइए. इसको इसकी आवाज चलेगी, आप इधर आ जाइए. आप बताइए दोस्तों, मैम आप बीच में आ जाइए. सपोज इस केस स्टडी में मान लेते हैं अंकिता मैम जो है शी इज द चेयरपर्सन, ओके शी इज द अंकिता मैम. राइट साइड में कितने लोग दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में कितनी महिलाएं दिख रही हैं आपको? बेटा सबको स्क्रीन पे लेना चाहिए. कर दी ना लड़की वाली बात, बैठो चेयर लेकर आ गए, अब बैठ जाइए. सबको कवर करना भाई, थोड़ा सा उधर जाए, नजदीक जाओ और नजदीक, आप भी नजदीक. हाँ ठीक. इस समय 6 लोग हैं मीटिंग के अंदर, हाँ मैंने मात्र 6 लोग मीटिंग में हैं. ये तो निरपक्ष इंसान बैठा है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट? मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है इसके बीच में. तीन पुरुष है और तीन महिला है, और आप सभी जानते हैं यहां पे जो मैं आपसे पूछूंगा, बताना कौन ज्यादा सिगरेट पीता है, लड़के या लड़कियां? हाँ लड़के, ये कह रहे तीनों लड़कियां कह रही हैं,
इनका बोलना लड़कियां ज्यादा स्मोक करती, आपको क्या लगता है? लड़के लड़कियां, एक मिनट लड़कों से पूछता हूं, कौन ज्यादा स्मोक करता है भाई? भाई देखो, भारत देश में अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का राइट है, अभी इनको लड़कियां लगती तो लगती हैं, इनको लगता है भुगती कौन है? बेटा तुम्हारे हिसाब से कौन? लड़के फूकते बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो दोस्तों आपके सामने यहां पे देख रहे हैं इसको कैसे जीता जाए। मीटिंग में छह लोग बैठे हैं, तीन कह रहे हैं लड़कियां फूकती हैं, तीन कह रहे हैं लड़के फूकते हैं। आखिर इसका निर्णय कैसे समझा जाए कि कौन सही है? अब तीन क्या करेंगे? सही पकड़े। तो दोस्तों यहां पे अभी जो प्रॉब्लम हो रही है इसका सॉल्यूशन आपसे पूछेंगे। अगर आप सेक्शन 104 लिख रहे होते, आप खुद लिख रहे हो, द राइटर ऑफ सेक्शन नंबर 104, आप मुझे बताओ इस समय चेयरपर्सन बीच में बैठा है, बैठी है, और आप बताओ आप अगर 104 नंबर सेक्शन चेयरपर्सन के बारे में लिखते तो उसमें क्या प्रावधान लिखते आप? क्या लिखते हैं? कौन मुझे आज देखो, अभी तक 104 नंबर का सेक्शन मैंने पढ़ाया भी नहीं और मैम ने भी नहीं पढ़ा है, बावजूद उसके आप वो भाषा में बात करोगे एज इफ यू आर द लॉ क्रिएटर, लॉ मेकर। आज मैं देखना चाहता हूं कौन सी लड़की जवाब देगी। सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा 1001 रुपए का इनाम। कौन बताएगा? ओनली गर्ल्स बेटा, गर्ल्स। कोई संकोच कंफ्यूजन? कोई मैं देख रहा हूं कुछ लोग ना लड़कों में हाथ ऊपर करें ना लड़की में, आई एम सो सॉरी, पता नहीं अलग है, और वो भी उनका भी एक कैटेगरी होता है, उनका भी ओपिनियन हो सकता है। दोस्तों लड़कियों में से कोई बताएंगे, अगर 104 नंबर का सेक्शन अगर आप लिख रहे होते और आपको ऐसा दिखा होता कि आप क्या कर रहे हो? रुको जरा, सबर करो। तीन इधर पुरुष, तीं महिलाएं, और बीच में चेयरपर्सन। आप लिख रहे हो 104 नंबर का सेक्शन, आप खुद लिख रहे हो, सोचो आपने पढ़ा ही नहीं सेक्शन, आप लिखने जा रहे हो, क्या लिखते हैं इसमें? एनीबडी फ्रॉम गर्ल्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन? आप इधर एक पूरे क्लास में एक लड़के जवाब दे रहे हो सर, मैं वो भी ऐसा हारा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तीन लोग एक फेवर में है और तीन एक फेवर में है। अब डिसीजन कैसे होगा, कैसे समझेगा कौन सही है? क्योंकि अभी तो तीन तीन है, तो बात तो इक्वल है, कोई भी जीता नहीं। अगर किसी एक पक्ष को जिताना है तो अगर आप 104 नंबर का सेक्शन लिखते जो चेयरपर्सन के बारे में है, तो आप उसमें क्या लिखते? हाँ, इधर से कोई कुछ बोलना चाह रहा था? एनीबडी फ्रॉम दिस साइड? बेटा इधर आइए, जरा आ जाओ आप भी, एक मिनट इसके बाद बुलाते हैं मैम, दो मिनट के लिए बस, ये जो भी प्रैक्टिकल चल रहा है देखते आज ये चिंटी जो हमारे बीच में, बेटा प्लीज आइए। अमर एक मेडल रेडी कर, जल्दी से आ जाओ, माइक देना, आप खड़े हो जाए मैम के पास। हाँ जी, आप बताइए आपके हिसाब से आप 104 नंबर का सेक्शन लिख रहे हो जिसका नाम है चेयरपर्सन, क्या लिखते आप उसमें? अगर दोनों साइड से इक्वल है, दोनों साइड से इक्वल वोटिंग है, इक्वल वोटिंग है तो मैम का वोट भी काउंट होगा। मैम मतलब कौन? चेयरपर्सन का वोट काउंट हो जाएगा वहां, वोट काउंट होगा अगर वहां पे दो पक्ष में है इक्वल नंबर ऑफ पीपल, उस केस में किसका वोट होना जरूरी है? चेयरपर्सन का। और चेयर मैम तुम्हें क्या लगता है वैसे, आपका क्या वोट है जरा बताइए, कौन फूकता है ज्यादा? ये एक्चुअली आई एम सो इंटरेस्टेड, इवन आई एम एक्साइटेड टू नो। मैम आपको सच में क्या लगता है, क्या लगता है आपको, बींग चेयरपर्सन व्हाट डू यू थिंक, कौन सबसे ज्यादा फूकता? तो मेरे हिसाब से तो हाँ लड़के ज्यादा सुट्टा लेते हैं। लड़के? लड़के सच में? यस लड़के, यस लड़के। सो इसका मतलब है आपके हिसाब से आप किसके फेवर में जा रही हो? आप किसके मतलब जो लड़के के फेवर में है, आप आ जाइए इधर। अब बताओ काउंटिंग, बताओ बेटा आप क्या बोलना चाहेंगे, व्हाट इज द लॉ? चेयरपर्सन जिसके इसमें वोट करेगा और वो इक्वलिटी जो ब्रेक करता है वो, इसका मतलब जहां पे होता है इक्वल वहां पे चेयरपर्सन इज हैविंग राइट टू कास्ट हिज वोट, वोट कास्ट करने का राइट, कास्टिंग वोट बोलते हैं उसको, कास्टिंग वोट। चेयरपर्सन बेवजह बीच में घुसता नहीं जब ऑलरेडी मेजोरिटी प्रूव हो चुकी होती है, वो जाके भी कुछ नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी वो, पर जब यहां पे जब इक्वल नंबर हो, जैसे जनरली क्या होता है जब इवन नंबर्स की संख्या होती है, ऑड नंबर में तो कुछ ऑड नंबर समझता नहीं, क्या होता है 7 4 3 हो जाएगा, 9 है तो 5 4 हो जाएगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम, पर जब इवन नंबर होते हैं और जब दोनों पार्टियां
इक्वल होती है, उस केस में चेयरपर्सन इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ यू नो क्या बोलते उसको डिसाइडर, यानी शी इज गोइंग टू कास्ट हर वोट, और वो जिस पक्ष में जाएगी या जिस पक्ष में जाएगा वो पक्ष जीतेगा, और यहां पे महिलाओं की हुई जीत, एक बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी के साथ दोस्त इसी को कहते हैं एज द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन। क्या कहते हैं बोलो तो, कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन। और कास्टिंग वोट एक ही केस में इस्तेमाल होता है कि जो रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो दैट शुड बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन में तो आपको कितने परसेंट, 75%। तब तो चेयरमैन के कास्टिंग वोट का कोई काम ही नहीं आने वाला है। तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट विल ओनली बी यूज्ड इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ रहे हो आप बात? यहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात थी, तीन फेवर में तीन अगेंस्ट थे, तो तब अब मैं अगर अगेंस्ट में आ जाती हूं तो फिर ये फेवर ज्यादा हो गया। अरे हाँ है ना, ये साइड की वोट ज्यादा हो गई ना, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये रेजोल्यूशन, ये 3-4 हो गया, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा या ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, जहां पे फेवरेबल की संख्या ज्यादा है अनफेवरेबल से ज्यादा है, यानी कि तीन की संख्या चार, मतलब तीन जो है कम है, चार की संख्या ज्यादा हो गई, पर येट इट इज नॉट स्पेशल, बिकॉज स्पेशल में क्या होता है आपके कम से कम 75%, तो ये चार लोगों ने बोला चाहिए, 6 में से 4 उधर गए, 7 में से 4 उधर गए, राइट, स्टिल इट इज नॉट, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, तो कास्टिंग वोट तो तभी यूज होगा ना जब ओआर है, एसआर के लिए हो ही नहीं सकता, एसआर के लिए तो हमें 75% लोगों, मतलब इनके जाने के बाद भी वो एसआर नहीं हो सकता, क्योंकि 7 में से 4 ही लोग, तो 4/7 इट कैन नॉट बी 75%। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी वन, कम ऑन, एंड दिस सेक्शन इज ओवर गाइस। एक बता लिया आपने, आज एक नया सेक्शन पढ़ लिया, बड़ा आपने बहुत सही जवाब दिया, आप लोगों ने तो क्या मेहनत करी यहाँ पे आके। जरा एक मिनट थोड़ा सा इनका परिचय लेते, एक मिनट बैठ। भाई साहब कहाँ से हैं आप? एमपी से, मध्य प्रदेश, देवास। देवास से? यस। एमपी वाले कोई है क्लास में? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस, थैंक यू सो मच। बड़ा आप आए थे शायद से शो में पहले? यस सर, मैं पहले फर्स्ट डे पे आया था। हाँ जी, क्या कहाँ से आप? शिवम मिश्रा, नेपाल से हूँ मैं। नेपाल से आप? उस दिन आपने नेपाल बोला ही नहीं था, पूछा ही नहीं आपने। एक बात पूछना है मुझे, नेपाल में अगर मुझे किसी को, नेपाल में किसी को अगर आई लव यू बोलना तो कैसे बोलेंगे? मौत तिमले धेरै माया गर्छु, मौत तिमले। एक मिनट, बेटा प्रोसेस होने को टाइम लग रहा है, जिसको प्रपोज करना है आज अलग चीज मिली है आपको, बड़ा अच्छे से बोलो, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे होता है आई लव यू, हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ ठीक, तो आई को नेपाली में बोलते हैं मैं, मा, 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 बोलो रे, मा। काम में आएगा कभी ना कभी। हाँ, लव को बोलते हैं माया, माया। भाई आज के बाद में आई माया यू। नो सर, माया जो है वो लास्ट में जाएगा। अरे मतलब पर हम लोग उसको लव, तो आज लव बोला तो समझ जाता है, लव मतलब माया, बट अपन आज के बाद में आई, हाँ बेटा, म, हाँ म तिमलाई मीन्स यू, म तिमलाई माया गर्छु, गर्छु मतलब करता हूँ, गर्छु मतलब करता हूँ, म तिमलाई माया गर्छु, बोलो रे, म तिमलाई माया गर्छु, म तिमलाई माया गर्छु। सला जब हम जब से हम सेक्शन पढ़ा रहे अभी तक सबने इतने यूनाइटेड से इसके बारे में सब, पर कैसा लगा आपको माया सुन के? आज के दिन मैं भी आपको माया ही बोलूंगा। वाह वाह, सुपर फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। बेटा इनके स्माइल जरा कहां से जरा देखेंगे, कहां से बेटा? बिहार से। बिहार कहां से? बिहार में पटना। पटना से बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बेटा आप जरा बताइए कहां से? पुणे से। पुणे से बेटा, बहुत स्वागत है इधर। आप सभी मिले थे उस दिन, जरा बताइए आप कहां से? जरा माइक देना। अहमदनगर से। हाँ जी, आप सर? एमपी इंदौर से। और आप? अकोला। अकोला महाराष्ट्र से। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप यहीं पे खड़े रहना। आज हमारे बीच में जो चिंटी आई है, बट आप सब लोग बैठ सकते हैं, थैंक यू सो मच। क्या है जरा इससे नंबर डाल दीजिए आपका, हम आपको फंड ट्रांसफर करें। माइक पे बोलो, मतलब क्या वे? बेटा आपको अपने माइक पे कुछ नंबर बोलना है? ये छिछोरे बच्चे जान दे।
बेटा ये हो गया आपका इनाम, आपको देख लो, लिख दो 1001 1001 ट्रांसफर करो। ए 1,01,000 इड़ा क्या रे, कपड़े उपड़े बेचना पड़ेंगे मेरे को। बेटा बहुत आगे जाए, एक बार देख लीजिए आपको आए तो। ओके थैंक यू सो मच दोस्तों। बेटा मिल गया होंगे, इनका मत सुन। मित्रों आज आपने दो सेक्शन पढ़े, एक प्रॉक्सी पढ़ ली 104। मैडम 104 के बारे में एक बार फाइनल उसको खत्म करा देते हैं, बुक में है तो बुक से उसको जैसे भी तो रीड आउट कर सकते हैं उसको। ओके एक बार हम क्या करते हैं सेक्शन को रीड आउट कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए सेक्शन, उसके बाद और एक सेक्शन आ रहा है आपके सामने माहौल बनाने के लिए। कितने लोगों ने लिख के दिखाया, म तमला माया कर्च। तुम्हें जब हम सवाल पूछते उसका कभी लिख के बताया आपने? और तीन तीन बार लिख लिया उसने। मैम इतने आपको तो क्या बताएं, एक बार चालू करें। यस हाँ जी प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट एक बार बताते हो कौन से सेक्शन नंबर के अंदर होता है? 105। ओके तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉक्सी के मेंबर से 104 चेयरमैन का है। हाँ ये तो हो गया, इसके सारे पॉइंट्स खत्म हुए, उसके लिखना बाकी है तो वो लिखवा दीजिए पहले। हाँ ठीक है लिख लो फिर आप, अभी तीन पॉइंट्स आपने लिख लिए ना। हाँ फोर्थ पॉइंट लिखिए। कहाँ पे 105 के लिए? हाँ प्रॉक्सी के नीचे 105 के नीचे आपने तीन पॉइंट्स लिखे बेटा, तो फोर्थ पॉइंट लिखिए। कम ऑन गाइस, इन केस अ मेंबर अटेंड्स द मीटिंग हिमसेल्फ, इन केस अ मेंबर अटेंड्स द मीटिंग हिमसेल्फ comma, it will act as, it will act as automatic revocation, it will act as automatic revocation of appointment of proxy, of appointment of proxy. Next, fifth point, later appointed proxy, later appointed proxy will act as revocation of prior appointed proxy, prior appointed proxy. और एक आखिरी पॉइंट, वो 48 आवर्स से अगर ज्यादा आपने आर्टिकल्स में लिखा है हम उसको क्या मानेंगे? 48 आवर्स है ना, तो लिखो लास्ट पॉइंट फॉर proxy. इन केस द आर्टिकल्स स्पेसिफाई, इन केस द आर्टिकल्स स्पेसिफाई टाइम लिमिट, टाइम लिमिट of more than 48 hours, time limit of more than 48 hours for submitting MGT 11, for submitting MGT 11, comma, the same shall be considered as, the same shall be considered as 48 hours only. The same shall be considered as 48 hours only. इसको read out नहीं करना। इसके लिए कुछ उनको और समझाना पड़ेगा। इसके लिए समझा? समझा लेते हैं। इसको करूँगा। Legal points बाकी फिर read out। सुचार को ना? हाँ। Okay. Usually chairman जो होता है ना वो articles के हिसाब से appoint होता है।
तो बेसिकली अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये अभी 104 के कुछ जो रिमेनिंग पॉइंट्स बता रहे हो, Yes. 104 तो आपने काफी कुछ समझ लिया, चेयरपर्सन को कास्टिंग वोट करना है, उसके कुछ एक दो प्रावधान है वो समझते पहले, फिर उसकी समरी बना के उसको भी खत्म कर दे। ओके ठीक है, तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मुकेश अंबानी जो है वो एजीएम की मीटिंग को होल्ड करेंगे और चेयरपर्सन रहेंगे, तो ऐसे केस में हर एजीएम में चेयरपर्सन रहने वाले हैं मुकेश अंबानी। तो यूजुअली चेयरमैन वही पर्सन होता है जिसके बारे में आपने बताया है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स अगर साइलेंट है तो चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? हमारे मेंबर्स जो पर्सनली प्रेजेंट है, जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है वही आपस में किसी को अपॉइंट करेंगे एज द चेयरमैन। मतलब प्रॉक्सी जो है वो चेयरपर्सन की तरह कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकता है, कोई तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा वही चेयरपर्सन की तरह अपॉइंटेड रहेगा। चेयरपर्सन को अपॉइंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मीटिंग में डेकोरम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकोरम मतलब वो डिसिप्लिन, सारे प्रोसीजर के हिसाब से मीटिंग चल रही है नहीं चल रही है, एक एक रेजोल्यूशन पुट अप करना, वोटिंग लेना, वोट्स काउंट करना, कितने लोगों ने फेवर में कितने लोगों ने अगेंस्ट, ये सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज व्हाई वी रियली नीड टू अपॉइंट द चेयरमैन। तो बताओ चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा? थ्रू द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अगर साइलेंट है तो कौन चेयरमैन को अपॉइंट करता है? मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और उनमें से ही किसी को अपॉइंट किया जाएगा एज द चेयरमैन। गॉट इट और नो? और चेयरमैन का कास्टिंग वोट कब इस्तेमाल किया जाएगा? इफ देर आर इक्वालिटी, टाइम मतलब इक्वालिटी ऑफ वोट्स, फेवर में भी 10 लोगों ने बोला अगेंस्ट भी 10 लोगों ने बोला, तब आप चेयरमैन का कास्ट करोगे ये वोट, उसको क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। क्या कहते बोले तो? फिर चेयरमैन ने हाँ बोला तो हाँ होगा और ना बोला तो ना होगा। यस नो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। सो दिस इज द टेक्स्ट बुक, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। सो देखो Section 104 of the Companies Act seeks to provide that unless the articles of the company otherwise provide. In short, अगर articles में लिखा गया है कि मुकेश अंबानी Reliance के chairman रहेंगे, तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। The chairman will be appointed according to the articles. But अगर मेरे articles silent है, then the members personally present shall elect amongst themselves to be The chairman by show of hands. मतलब कोई जो बाहर का बंदा है जो उनको लगता कि जो प्रॉक्सी है, कोई भी और, कोई और भी होगा तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, नहीं उन्हीं के बीच बीच का चाहिए। तो एक बात बताओ प्रॉक्सी से रिलेटेड, क्या प्रॉक्सी मीटिंग में बोल सकता है? क्या वो चेयरमैन की तरह अपॉइंट हो सकता है? वो शो ऑफ हैंड से भी वोट नहीं कर सकता है, शो ऑफ हैंड से भी प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता है। तो प्रॉक्सी कर क्या सकता है? Yes, he can only demand and vote by way of a poll. Okay, he cannot vote by show of hands. ठीक है? Poll, Insta पे, Telegram पे poll आते हैं ना poll. वैसे poll होता है ना, poll कभी देखे नहीं? कल करवाएंगे physics. वो कल actual में करवाएंगे अपन, poll कराएंगे. ऐसे आता है ना, वो कहीं कभी होता है ना, वो आपने बहुत जगह पे voting दिया होगा. अरे आजकल Insta पे भी आता है, Telegram भी है ना. तो वैसे वैसे वाले पोल पे वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, प्रॉक्सी वैसे समय पे ही वोट कर सकता है, उसके अलावा कहाँ नहीं कर सकता है वोट? वो शो ऑफ हैंड्स, मतलब ऐसे कितने लोगों को कल क्लास संडे के दिन क्लास थी हाथ ऊपर करे। एक ने भी आने बोले बेटा तुझे चाहिए, खड़े हो जा बेटा, मेरा कितना होना पूरी क्लास में अकेले को संडे को क्लास चाहिए, ये प्रॉक्सी है। इसका हाथ खड़े होकर भी कोई फायदा नहीं। बेटा वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली से। बेटा संडे को अपन दोनों मिलते। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आज ओके, ये देखो यहां पे आपको पावर्स में नजर आ रहा होगा, चेयरमैन इज द पर्सन हु मैनेजेस द मीटिंग and ensures that the required decorum of the meeting is maintained at all the time. मतलब discipline में है कि नहीं, members हमारे इज्जत से बैठे हैं कि नहीं, ये responsibility किसकी है? हमारे chairman की। एक बार एक AGM में एक बंदा mobile खेलने लगा, game, mobile phone पे PUBG। मुझे बताओ ये decorum है कि नहीं है?
अगर तुमको इतनी खुजली है, आए क्यों भाई? किसी ने बुलाया आपको यहाँ? आप अपनी खुजली से यहाँ पे आए? तो why are you doing all this? Don't do all bullshit here because you are sitting in the very corporate kind of meeting. कोई दोस्ताना याराना नहीं चल रहा यहाँ पे. जी. बहुत. तो यहाँ पे decorum maintain होना चाहिए. Right. पकड़े तो मोबाइल छीन लेंगे. क्या होगा मतलब क्या भाई? मारेंगे उसको. चेयरमैन के कास्टिंग वोट के बारे में एक बार देख लो. सो द चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट इन बोर्ड मीटिंग एज वेल एज द जनरल मीटिंग. ओके. और अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना है और इक्वालिटी ऑफ वोट्स है तो ऐसे केस में आप एक्सरसाइज करोगे चेयरमैन का कास्टिंग वोट. ये ऑलरेडी अपन ने मतलब जो पढ़ा है एग्जांपल कर रहे हैं जो हमने पढ़ाया था वही इसमें लिखा हुआ है. ओके. यस. सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोविजन रिलेटिंग टू चेयरमैन. ओके डन. यस. अभी कितना समय हमारे पास में? एक प्रोविजन अभी क्विक सेक्शन होगा या ऐसे के क्वेश्चंस होंगे? व्हाट इज वन मोर सेक्शन? कौन सा सेक्शन आगे? 114. 15 मिनट में जो भी होगा फिर आखिरी 15 मिनट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस लेंगे. चार क्वेश्चन है मेरे पास आज. तो उसको तो 15 मिनट्स में हो जाएंगे. तो 15 मिनट्स आप अगला ये ले लो. बेस्ट. अरे आर यू देयर गाइस? कम ऑन. हाउ इज द जोश गाइस? हाय हाय. चलो मैम तब तक आप एक सेक्शन तैयारी में, तब तक एक शायरी बोलता हूं आपको. थोड़ा वाह वाह करो यार. तब तक आप सेक्शन की तैयारी करो, मैं तब तक बच्चों का. शायरी बोलता मैं. नहीं नहीं शायरी बोले नहीं, शायरी बहुत सारे. ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है. ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है. कमबख्त मेरे ही सपनों में आके मेरे दोस्तों से प्यार करती है. वो जो भी मेरा दोस्त बड़ा कमी ना होगा. रोस्टेड दोस्तों इस समय आपके सामने आ रहे हैं. आज हम लोग ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन का डिस्टिंग्विश देखेंगे. आप में से कोई मुझे बताए 10 में से 6 लोग एक फेवर में है उसको हम ऑर्डिनरी कहेंगे या स्पेशल कहेंगे? 10 में इधर 5 है उधर 5 है, सो क्या कहेंगे? इक्वालिटी होगा ना. उसके बाद क्या होगा? तो कुछ नहीं है, वो टाई हो गया. फिर कास्टिंग वोट एक्सरसाइज होगा. एक मेरे दिमाग में तो ऐसा सवाल आए जो आप उसका जवाब बहुत बड़ा है. 10 लोग मीटिंग को आने वाले थे पर 7 ही लोग आए और 3 लोग वो नहीं आए. नहीं आए पर 3 लोग आए. कैसे आए? वर्चुअल मीटिंग से आए. अच्छा 7 अकेले में आए पर्सनली आमने सामने बैठे. 3 बोला फोन कॉल पे ही. मैंने एक बार डिड आई सी एनीथिंग रॉन्ग? कुछ लोगों को फोन से ही मजा आता है ना. उसमें उनकी अपनी चॉइस है. 7 लोग ऐसे सामने बैठे, 3 लोग घर पे बैठे और वो वीडियो कॉलिंग से कर रहे हैं जो भी. अब बताए 10 लोग हैं और मीटिंग में. अब 10 में से कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 6 ने हाँ बोलना चाहिए. ओआर पास करने के लिए 4 लोग जो यहाँ पे आए थे 4 लोगों ने हाँ बोला. जितने 7 लोग में से 4 ने बोला हाँ मैं. और अभी भी हमें कितने बाकी है? और 2 लोग वो थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग से वीडियो कॉल से हाँ बोल रहे थे. हम भी. आप बताओ ओआर पास हुआ क्या? सोच के जवाब देना. 4 बैठे थे और 2 घर पे बैठे थे तो 6 हुए कि नहीं हुए? और आपका जवाब सही है. ये भी केस स्टडी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है. ओके बोलते ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बोला. वो पूरा एक पैराग्राफ बनाते हैं उसका. ऐसा ऐसा हुआ था फिर उन्होंने हाँ बोला फिर अब बताओ क्या करेंगे. यू आर बेस्ट जज इन ऑल दैट गिव योर ओपिनियन. तो बच्चों चाहे वो घर से हाँ बोल रहा है या चाहे हमारे सामने हाँ बोल रहा है उसके हाँ बोलने से मतलब है. कहाँ से हाँ बोल रही है उससे मतलब नहीं. सामने हाँ बोले मैम जस्ट शट अप. एम आई राइट? जो भी मैं कहूँ तुम्हें लगता है क्यों गलत? ओके. तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? व्हेन द वर्ड्स इन फेवर आर ग्रेटर देन द वर्ड्स
अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, दिस इज द लीगल लैंग्वेज, और उसी के हिसाब से आपको सेक्शन 114 का जवाब भी एग्जामिनेशन में देना होगा. कब पास होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक बार बोलो. वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन द वर्ड्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. सो बेसिकली आपको दो ही फिगर्स दिख रहे हैं, दो ही नंबर्स दिख रहे हैं. एक देखोगे आप वोट्स इन फेवर कितने हैं और दूसरा है वोट्स अगेंस्ट कितने हैं. चलो एक केस देखते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में आए 10 लोग, या चलो मीटिंग में आए 30 लोग, ठीक है. ओके, ये 30 में से सिर्फ 10 लोगों ने फेवर में वोट किया. ओके, 9 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया. ओके, और 11 लोगों ने वोट किया ही नहीं. क्यों आते बे? आते क्यों में? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? अरे जब कुछ बोलना ही नहीं तो आए क्यों भाई? खाने के लिए. अब सवाल ये है यहां पर, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहां पे पास हुआ है या नहीं हुआ है? कम ऑन गाइस. वैसे 30 में से 16 लोग होना चाहिए थे फेवर में, वैसे सब अगर बोलते तो. यहां पे तो 10 ही लोग फेवर में बोल रहे. कम ऑन गाइस, यहां पे बताओ. वर्ड्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन द वर्ड्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. तो यहां पे आप दो ही नंबर्स देखने वाले हो. वन इज दिस फेवर के वोट्स 10 एंड अगेंस्ट के वोट्स विच इज 9. इज 10 ग्रेटर देन 9? सो वी विल से द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास. वेरी गुड, क्या बात है. तो स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? सुनो, लॉ मेकर कहते हैं वोट्स इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. लैंग्वेज सुनो आप, वोट्स इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन, मतलब इट शुड ईदर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तब माना जाएगा आपका एसआर जो है वो हो चुका है पास. चलो बता, 12 में से कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 9 या 8? श्योर मिनिमम लो. 10 ने हाँ बोला तो? 8 ने बोला तो? पर यहाँ पे जो लिखा ना वो 2/3 से, सॉरी 3/4 से ज्यादा नहीं लिखा है. 3/4 एग्जैक्ट भी रहा तो चलेगा. यस, इसके पहले जब हम लोग ओआर पढ़ रहे थे वहां पे 8 में से 4 ने हाँ बोला फिर भी कुछ काम करी, वहां पे ग्रेटर देन 50% है. यहां पे डॉट अगर 3/4 भी है, 3/4 समझता ना, डॉट 75% भी है, यानी 12 लोग थे. हाँ बोलो आप, 12 में से 9 ने, 9 से ज्यादा नहीं, डॉट 75% भी चलेगा. 10 ने बोला तो अच्छी बात. Yes. 40 लोग थे, 30 ने हाँ बोला, 31 से हाँ बोला, 29 ने बोला. इतना इजी नहीं. चलो एक एमसीक्यू लेते हैं 2 मार्क का, जो इंस्टीट्यूट ने कुछ अटेम्प्ट पहले पूछा था. 40 मेंबर्स है. ओके, जो आए हैं मीटिंग में, 40 में से 20 लोगों ने फेवर में वोट किया, चलो 6 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया, ये भी सही, 10 लोगों ने वोट ही नहीं किया, क्यों आते हैं, और 4 लोगों का वोट जो है दैट इज इनवैलिड. अच्छा ये इनवैलिड क्या होता है? ना, मैं आपको थोड़ा सा और फनी एग्जांपल दूं. अभी क्या होता है ना कि बोलते हैं कि जो जो जिसको इसको हाँ बोलना हाथ ऊपर करो. अब क्या होता है कि अब हाथ ऊपर करना चाहिए, अब कुछ हाथ ऊपर है और कुछ ऐसे है, पर कुछ लोग का ऐसा है. अब इसको क्या समझे, ये हाँ में समझे कि नहीं समझे इसको? अभी भाई तुझे हाँ बोलो तो ऐसा कर दे, नहीं बोलो तो ऐसा कर दे, अब ये बीच में है, ये है इनवैलिड. कभी कभी कुछ लोग समझ उनको करना क्या है, भाई तो हाँ बोल दे तो ना बोल दे, अब इसको क्या समझे, इसको इनवैलिड समझे. समझे आप? हाँ जी. Yes. तो अभी जवाब तो आप लोगों ने देना है कि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वाई यस. हाउ मेनी वोट्स इन फेवर? कम ऑन गाइस. अगेंस्ट कितने? व्हाट इज 3 times of 6? तो अब हम कौन से दो फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं? 20 एंड 18, एंड 20 इज ग्रेटर देन 18, तो रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ट. जो सर ने कहा था ना इक्वल वोट्स वाला, वो भी मैं ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ, मे बी यू कैन गेट अ 2 मार्क्स का एमसीक्यू फॉर द सेम. से 10 लोग मीटिंग में आए, फटाफट बोला,
छह लोगों ने फेवर में वोट किया, दो लोगों ने अगेंस्ट वोट किया और से दो लोगों ने वोट ही नहीं किया। एसआर पास हुआ या नहीं हुआ है? एसआर पास हुआ है। ऐसे कैसे? क्योंकि वोट्स इन फेवर कितने हैं, अगेंस्ट कितने हैं? व्हाट इज थ्री टाइम्स ऑफ टू? अब लैंग्वेज देखो, वोट्स इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन थ्री टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। सिक्स इज नॉट लेस देन सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। सो वी विल से द एसआर हैज बीन पास। मैं एक, मेरे को पूछना था एक सवाल, मतलब क्या मैं इसको आप जैसे समझा रहे हो इसको थोड़ा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल कितने हैं? टोटल है आठ, बराबर है, छः प्लस दो। हाँ, ये तो ये यहावले लोग, इन्होंने कुछ किया नहीं, बट इंस्टीट्यूट जानबूझ के ना। नहीं, मैं एक मिनट थोड़ा रुके। अब इस आठ का जो 75% है वो है छः। हाँ, तो छः लोगों ने हाँ बोल दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ जैसा आपने समझाया, थ्री टाइम्स किया आपने, क्या मैं दोनों को ऐड करके आठ मान लूं, फेवर अनफेवरेबल आठ का हो जाएगा और आठ का कैल्सियम लग दूंगा 75%, तो छह आ जाएंगे, छह ने हाँ बोला ना, बस हो गया काम। क्या मैं उसको ऐसे भी समझ सकता हूं? तो आप इसको दो का तीन गुना माने छह, या फिर आप क्या करो, फेवर अनफेवरेबल, जैसे इस पहले वाली केस में भी अगर यहां पे फेवरेबल कितने थे 20 और ये कितने हैं, तो कितना हो गया ये, बराबर है इसका 75% कितना होगा, कितना होगा 19 point something, पर या तो 20 ने हाँ बोल दिया तो सही है ना। तो मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप फेवरेबल के टोटल लो और अनफेवरेबल के तो दोनों को ऐड, मतलब जितने लोगों ने वोट किया है उन्हीं से आपका लेना देना है, बाकी लोगों से आपका लेना देना नहीं है। डोंट कंपेयर इट विथ हाउ मेनी पीपल केम इन द मीटिंग। ये फिगर्स और फैक्ट्स इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको देगा, आपको गुमराह करने के लिए, बोलेगा अरे 40 में से सिर्फ 20 लोगों ने हाँ बोला, एसआर पास हुआ या नहीं, बट आपको 40 से लेना देना नहीं, आपको कितने लोगों से लेना देना है, 26 लोगों से लेना देना है। 26 का 75% कितना, 19 point अपने फेवर में कितने हैं, 20, तो हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके एवरीबॉडी, आप दोनों भी लॉजिक से कैसे भी सोच सकते हो, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे से हो रहा है, हो गया, ज़्यादा क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सेक्शन है, कैसे कर लेते हो सब? आप इनको लिखेंगे जरा? यस। अच्छा, तो आप लिखिए जल्दी से, चेयरमैन का भी बाकी है, नहीं चेयरपर्सन का लिखते हैं, पर ये तो लिखवा दो ना, ये जो बोर्ड पे लिखा है। सुनो ना, नाउ यू कम, चेयरमैन का उधर रहने दो, अभी आप नेक्स्ट डबल शीट पेपर पे आ जाओ, तीसरा वाला डबल शीट ऑफ पेपर, जहां पे आप हेडिंग देने वाले हो प्रॉपरली कंडक्टेड। सुनो, मैं वापस से बताना चाहती हूं आप लोगों को, ये आपका फर्स्ट सी है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, कम ऑन गाइज। हाँ, फिर उसके बाद हमने किया था ये सेकेंड सी, जो ये था, द मीटिंग शल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। यहां पे देर इज वन मोर थिंग, चेयरमैन 104, वो हम लिखे गए, बट अब आप नए शीट ऑफ पेपर पे आ जाओ, डबल शीट ऑफ पेपर, जहां पे आप हेडिंग दोगे प्रॉपरली कंडक्टेड। द मीटिंग शल बी, यस, प्रॉपरली कंडक्टेड। और प्रॉपरली कंडक्टेड का फर्स्ट पॉइंट प्लीज देना, रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 114। अमर एक बार देखना सब लोग लिख रहे हैं या नहीं, सेक्शन नंबर 114 रेजोल्यूशन। लिख लिया इतना, अब उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पहले वो फॉर्मूला लिख लो और हम लोग लीगल लैंग्वेज भी लिखते हैं फिर। इतना लिख लिया, चलो जल्दी जल्दी लिखो, लिखो वोट्स इन फेवर, स्पीड बढ़ाओ भैया, शुड बी ग्रेटर देन, द वोट्स कास्ट
against the resolution. जल्दी जल्दी लिखो, come on guys. The votes cast in favor should be greater than the votes cast against the resolution. Point number two. Special resolution. फॉर्मूला लिख लेना और उसके नीचे टेक्स्ट लिख लो. क्या लिखोगे टेक्स्ट? वोट्स इन फेवर. शुड नॉट बी. लेस देन. Three times the votes cast against the resolution. The votes cast against the resolution. चलो देखते हैं आज जो भी कुछ हमने किया है इनके सवालों के जवाब आपको देते आ रहे हैं या नहीं. लेट्स चेक इट आउट. इस क्लास में आज छोटे छोटे बच्चे भी आके बैठे. यहाँ पे हमारे बीच में सीए फाउंडेशन के कुछ नादान नादान परिंदे आके बैठे हैं. उनको एक्साइटमेंट है कि कब एंट्री क्लास में आके बैठे. तो उधर से इधर आके बैठे. कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी एंटर में. क्या संदेश देना चाहते हो इन बच्चों को? इंटर में आके कंपटीशन मत बढ़ाओ. मतलब फाउंडेशन के दिन ही अच्छे थे क्या? इंटर के वो अच्छे दिन थे. इसमें दर्द ज्यादा है. लंबी क्लासेस है. ओके यस, चलो आ जाइए. देखते हैं रीसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जनवरी 2021 एंड इट वाज आल्सो आस्क्ड इन आरटीपी मई 21. अ कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म 54 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मीटिंग टू स्टार्ट. कितने टाइम पहले मिला है? और एक्ट क्या कहता है? सेक्शन नंबर. ओ सॉरी, आई जस्ट स्विच इट. ये आंसर हटा देती हूं मैं तो जेन्युइन आंसर्स आएंगे. ठीक है, सेक्शन नंबर क्या बताया आपने? 105. द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रॉक्सी फॉर्म ऑन द ग्राउंड दैट आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट द प्रॉक्सी फॉर्म shall be filled 60 hours before the start of the meeting. So now decide under the provisions of the Companies Act whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case. Yes. Q yes. क्योंकि आपके आर्टिकल्स एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड. तो अगर 60 भी लिखा गया है क्या माना जाएगा? कि आपने 48 आवर्स ही लिखा है और उसके हिसाब से यहां पर अगर 60 आवर्स पहले हमें प्रॉक्सी फॉर्म मिला है क्या ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी वैलिड है? सो एक आंसर में मेरे को, मतलब एक लाइन में मेरे को जवाब दीजिए, क्या प्रॉक्सी होल्डर कंपनी को कंपेल कर सकता है टू एडमिट हिम एज अ प्रॉक्सी? क्या बात है, 3 marks इनटू योर पॉकेट. वेरी गुड यार, वेरी गुड. और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग अगर इस तरह से क्लास के अंदर ही अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना उससे कॉन्फिडेंस तो आएगा. ये समझ आएगा कि यार हम जब पढ़ रहे हैं तो किस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए. यानी कि ऐसे एक छोटे से मुद्दे का बवाल बनाती है. हालांकि कुछ बात नहीं, इसमें सिर्फ 48 घंटे वाला पॉइंट जिसको याद है उसको 3 मार्क मिलेंगे. यानी कि पूरा मिला के स्टोरी जो इतना ज्ञान है ना जो दिए हुआ, इतना पैसेज जो आंसर दिया है उसमें एक ही वर्ड काम का है 48 घंटे.
यानी कि आईसीआई कोई भी चीज का एक बोल रहे ना बात का बतंगड़ बनाना, एक छोटी सी चीज को उठा के उसके ऊपर शेप देंगे वो, ऐसा नहीं राइट डाउन सेक्शन नंबर 104 ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है वो, उसके अंदर एक छोटा सा बस पॉइंट उठा लिया उसका एक केस स्टडी बना देंगे। इसलिए हमको हर चीज को बहुत बार के समरी नोट से नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। एग्जैक्टली मतलब आईसीआई पता नहीं कौन सी चीज के ऊपर क्या क्वेश्चन पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्लासेस वाले से समरी पे से चेप देते बच्चों को, और बच्चों को फील होता है वो क्लास में वो जब एग्जामिनेशन जाता तब लगता है मेरे साथ हादसा होगा, ये क्या होगा, क्लास में खुशी मिलती है उसको, एग्जामिनेशन में दर्दनाक हादसा होता है और उसको लगता है ये तो सिलेबस में था ही नहीं क्योंकि वो समरी से पढ़ रहा है, और क्लास में टीचर क्या बोलता है देखो मैं कितने जल्दी और क्लास में टीचर बोलता है देखो मैं कितने जल्दी खत्म कर रहा हूँ, जल्दी खत्म, तो जल्दी क्यों खत्म कर रहा है भाई, तू कम पढ़ा तो जल्दी खत्म करेगा, तो टाइम को मत देखिए, आप सही जगह पर हो, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे और ना किसी पढ़ेंगे रोज आईसीआई को कनेक्ट करके वहीं खत्म करेंगे ताकि आपको रोज कॉन्फिडेंस भी मिलता रहे, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो यू फील यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि भाई इतना पढ़ रहा हूं तो कुछ आ तो रहा है मुझे। सर और एक वैसा ही सवाल है, एक ही लाइन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क का सवाल बनाया है, सिरहज अ शेयर होल्डर गिव्स अ नोटिस फॉर इंस्पेक्टिंग प्रॉक्सीज 5 days बिफोर द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एंड अप्रोचेस द कंपनी 2 days बिफोर द शेड्यूल्ड मीटिंग फॉर इंस्पेक्टिंग द सेम, वॉट इज द लीगल पोजिशन रिलेटिंग टू द एक्शंस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाँ तो बताओ, पहली बात तो नोटिस कितने दिन पहले मिलनी है, 3 days, यहाँ पे उसने 5 दिन की नोटिस दी है, क्या चलेगा? बट इंस्पेक्शन के लिए कब आया है बंदा, 2 दिन पहले, क्या ये चलेगा? इंस्पेक्शन कब से कर सकते हो? 1 day, हाँ 24 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, एंड कब तक चल सकता है इंस्पेक्शन? कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। समझ में आई बात? क्या बात है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इसमें जो आईसीएम मॉड्यूल लिखा था क्या मतलब है, कहां से लाया क्वेश्चन आपने? तो इंस्टीट्यूट की जो अभी नए सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल बनी है, हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। यस, आरटीपी भी आ गई, आरटीपी भी, एग्जामिनेशन भी है इसमें, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स भी आ गए, ओके सब कुछ। 350 पेजेस की आपकी क्वेश्चन बैंक है, मिली है क्या आप लोगों को? एक नंबर क्वेश्चन बैंक है, मिल जाएगा बेटा, आज मिल जाएगा। ये देखो, अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ मैम, ये जो आप यहाँ पे जो लिखती हो, जो आपकी इतनी हैंडराइटिंग सुंदर है, तो क्या ये इसका पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे आप बच्चों को? सर अब देखो क्या होता है, यूजुअली मैं से बिलीव करती हूँ आपको अगर पीडीएफ दे दिया मैंने तो फिर वो शॉर्टकट हो जाता है। क्या होता है मैम, मैं आपको आज नहीं, एक आपका भी सही है पर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अभी जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवाई है 40 के, वो 40 में से इतने वैलिड है, आपने तो बच्चों को लिखवाया नहीं, तो एक काम करो ना आप दे दो उनका, बाद में लिखते बैठेंगे, क्योंकि आप इतना भी वेट नहीं कर सकते कि हर बार वो लिखते बैठे आप वेट करें। मैं समझ रहा हूँ आपके भी परेशानी, क्योंकि आपको टाइम पे खत्म करना है सिलेबस, बट एट द सेम टाइम उनके लिए जो जो आज हुआ है वो करेगा, उसको देखेगा ना उसको क्या क्या लिखना है, उसको कर लेगा वो, ठीक है सही है ना। तो आप एक काम करो मैडम, जो आप पढ़ाते हो इनके टेलीग्राम ग्रुप पे रोज शेयर होना चाहिए, क्लास के ठीक आधे मैं बना दे रहा हूँ, आधे घंटे में शेयर होना चाहिए, क्लास हुआ आप इसकी वो पीडीएफ बना दो और शेयर कर दो, वो बच्चा मान लो कोई बच्चा आज नहीं आया क्लास में तो उसको दिख जाएगा क्या क्या हुआ आज क्लास में, तो आप इसको मेक इट अ हैबिट कि आप एवरीडे यू आर शेयरिंग, कोई बच्चा नहीं आया तो उसको दिख जाए क्लास में किस वजह से उसका अटेंड नहीं होता, तब हुआ या कुछ ऐसे एग्जांपल जो आपने लिखवाने को टाइम नहीं दिया जैसे आज हुआ, तो मेक इट अ हैबिट कि आप वो रोज शेयर कर रहे हो, आपने कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, तो ये आईपैड है इसको करने का और शेयर कर देने का, 1 मिनट के अंदर शेयर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे यही इसका ही समरी का मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ, बट वो सही थोड़ी ना, तो आप कोशिश करना कि आप खुद ही लिखिए, ये तो क्रॉस रेफरेंस के लिए आपके पास में रहना चाहिए। हाँ जी, के हैंड रिटन नोट्स का इंपैक्ट अलग होता है, ओके प्लीज, ठीक है। सो दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जहां इंस्टीट्यूट ने बोला है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी अंडर द कंपनीज एक्ट। चलो बुक में देखे बगैर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, हर एक मेंबर जो मीटिंग के लिए जाने के लिए एंटाइटल्ड है क्या वो? एक मिनट, आप में से कौन बताएगा 3 प्रोविजंस मुझे प्रॉक्सी के, 3 प्रोविजन एनीबडी, कितने 4 प्रोविजन है प्रॉक्सी के ऊपर? हाँ सारे 4 5 तो anybody from you can come here and answer 4। आजा बेटा, बहुत देर से तो इंतजार कर रहा है। आजा बेटा, अवेलेबल बेटा, इसको आने दो जरा, ये बच्चा थोड़ा सा जवाब देना चाहता है। 4 पॉइंट्स बोलना है प्रॉक्सी के ऊपर, अपॉइंटमेंट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स उतने ही है क्योंकि सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में ही बोलना है ना। ओके, 4 में से 3 तो बोलेगा पक्का, 3 भी और चलेगा अगर टोटल पॉइंट्स 4 है तो। देख रहे भाई सब, पूरा इंडिया देख रहा है देखो। हाँ जी हाँ, तू ही चाहे पहले बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो आप? सर ओडिशा से। ओडिशा से, वेरी गुड। बिहारी हूँ। बिहारी हैं,
रहते उड़ीसा में? वैसे कोई बिहार से यहाँ पे? ओह सो मेनी ऑफ यू फ्रॉम बिहार, क्या बात. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ, क्या बात. बेटा बोलो क्या. ओह क्वेश्चन. हाँ हाँ, प्रॉक्सी के बारे में बताओ बेटा. आपसे बहुत उम्मीद है. मैं तब से देख रहा हूँ कि आपको हर बार जवाब देना था, बट कभी कभी हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता कि आपको हर बार चांस दे, बट आपसे बहुत उम्मीद है. बिल्कुल स्टार्ट करें. सर एक तो अगर मतलब जो मेंबर है वो नहीं जा पाएगा कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट करता है. सही है. सो उस प्रॉक्सी को बोलने और वोट करने का कोई हक नहीं है, इज्जत इस नहीं है उसका. कर सकता है वो, वोट कर सकता है लेकिन पोल से कर सकता है, हाथ उठा के हाथ का उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू चीज नहीं है. सर दो पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट ये है, अगर क्या बोलते हैं दो प्रॉक्सी हम लोग मतलब आप जैसे मैम करे तो फॉर्म नंबर बताओ. हाँ फॉर्म नंबर MGT11 में फॉर्म फिलअप करता है, जो कि 48 आवर्स पहले उसको मतलब सबमिट करना रहता है. सही कह रहा है. ओके नेक्स्ट. और एक अगर समीक्षा का एग्जांपल है, हाँ वही, अगर आप मैम को अपॉइंट करते हैं लेकिन आपका कुछ तूतू मैम हो जाने के बाद आप समझ. ये किसने हुआ, ये कहाँ से लाए? मैम बोले जबरदस्ती तूतू मैम हो गया. हाँ फिर क्या होगा. हाँ हो गया हमारा जो. तो उसके बाद आपको गुस्सा आके आप मैम को आप प्रॉक्सी से एलिमिनेट कर दिया और दूसरी यही लड़ाई करवा दो हमारी. हाँ फिर क्या हुआ. तो फिर आपने हाँ तो नाम किया उसको बात ही कर ले, फोन नंबर ही ले ले बाद में. आपका नाम क्या है, इतने देर से नाम लिखा समीक्षा बोल रहा है, नाम क्या है आपका बताइए. याद नहीं रहता ना, बहुत लड़के छिछोरे. हाँ बोल अभी क्या हुआ समीक्षा का, बोल आगे. आपने उसको अपॉइंट किया है उनको उनको तो सेम बैच है सर. रिस्पेक्ट है महिलाओं की, इज्जत करें. उनको अपॉइंट किया. हाँ तो उनको अपॉइंट किया है, तो अगर दोनों चले गए तो मैम के वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो जिस लैंग्वेज में बोल रहा ना वो बिल्कुल सामने वो मैं खुश भी नहीं हूँ. अगर मतलब दोनों चले गए और वोट दोनों कास्ट किए हैं तो मैम के वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. कोई आप कोई इज्जत नहीं रही. सही. और अगर आप दोनों चले गए, हम दोनों हैं और मैम प्रॉक्सी हैं, अगर आप चले गए तो आप मतलब प्रिंसिपल हैं, तो आपका वोट का वैल्यू रहेगा, मैम का वैल्यू नहीं रहेगा वोट का. मतलब किसी भी केस में मैम को कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे प्रॉक्सी के साथ आज के लिए. आज के लिए चलो ठीक है बेटा, बहुत आगे जाएंगे. सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत आगे, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. उड़ीसा से कोई? उड़ीसा. ओहो इतने लोग उड़ीसा से. मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश, मैं आपको बता रहा हूँ इन तीनों स्टेट की खासियत है, और कर्नाटका भी बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा. मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ सच में, नहीं मतलब मैं आपको कह रहा हूँ आप इनको ऑब्जर्व करो. ये लोग आप 10 घंटे करो ये 11 घंटे तक पहुँच जाएंगे. एक कुछ तो प्लस है इनमें, आपको ऑब्जर्व करना बेटा. बहुत आगे जाएंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्या बात है. थैंक यू सो मच. बहुत आगे एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जहां पे लॉ से ज्यादा आपका इंग्लिश चेक किया जाएगा. लेट्स चेक इट आउट. ओके, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. यहाँ पे एक ही सेंटेंस एग्जामिनर ने दिया है और वो बोल रहा है ये वैलिड है या इनवैलिड है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ श्री लिमिटेड कॉल्ड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स अपॉन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स. रिक्विजिशन मतलब मैंने आपको बताया था रिटन रिक्वेस्ट. ये मीटिंग किसने बुलाई है, डायरेक्टर्स ने बुलाई है या मेंबर्स ने बुलाई है? मेंबर्स ने बुलाई है. हाउएवर द मीटिंग वॉज अडजर्न on the ground that the quorum was not present. Now advise the company. ये जो directors ने किया है क्या ये सही है या गलत है? गलत है तो क्या होना चाहिए, क्यों cancel होना चाहिए? आप समझो कौन से कोने में से institute ने सवाल उठाया है. 103 इतना बड़ा section, उसके कोरम वोरम वो 3, 2, 5, 15, 30 उसके ऊपर किसी के ऊपर पूछा नहीं सवाल. ये सवाल पूछा कि अगर मीटिंग बुलाई है मेंबर्स ने और अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग अडजर्न नहीं होती है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. और ऐसे इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है तो
यस, क्या आप लोगों को सारे सवालों के जवाब देते आ रहे हैं? सो इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द हाफ एन आवर फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम ऑफ द मीटिंग एंड द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द मेंबर्स, द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड. सो गाइस, फास्ट फास्ट लास्ट वन मिनट में व्हाट एवर वी हैव लर्न टुडे, लेट्स रिवाइज एवरीबॉडी. आर यू रेडी नाउ? कम ऑन, कम ऑन. आर यू रेडी गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी. हाय हाय, अरे दीवानो. हां तो दोस्तों, बताइए मैम, फटाफट चालू करें. 103 yes. 104 ओके चार और पांच कराए थे. हाँ तो 104 105. मुझे बताइए लास्ट वन मिनट, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर कितने घंटे पहले सबमिट करोगे? क्या 48 आवर्स से ज्यादा आर्टिकल्स में प्रोविजन लिख सकते हो? अगर लिखा है तो क्या होगा? माना जाएगा एज 48 आवर्स. मेंबर क्या प्रॉक्सी डिपॉजिटेड को इंस्पेक्ट कर सकता है? ऐसे केस में कितने डेज प्रायर नोटिस? कब से इंस्पेक्शन चालू कर सकता है? कब तक इंस्पेक्शन कर सकता है? अगर मेंबर भी गया, प्रॉक्सी भी गया, किसका वोट वैलिड होगा? पहला प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है, लेटर प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है, किसका वोट वैलिड होगा? बट क्या यू हैव टू मेक इट श्योर दैट दिस इज बीन डिपॉजिटेड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग? चेयरमैन का कास्टिंग वोट कब इस्तेमाल होता है, ओआर में या एसआर में? ओआर या एसआर? क्या चेयरमैन अपॉइंट होता है थ्रू आर्टिकल्स? आर्टिकल्स अगर साइलेंट है तो क्या मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अप में से किसी को अपॉइंट करेगा एज प्रॉक्सी? प्रॉक्सी क्या कोरम के लिए काउंट होता है? प्रॉक्सी जो है कैन ही स्पीक इन द मीटिंग? कैन अ प्रॉक्सी बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन? कैन अ प्रॉक्सी वोट बाय शो ऑफ हैंड्स? कैन अ प्रॉक्सी वोट बाय वे ऑफ अ पोल? ओआर कब पास होता है? ओआर व्हेन द वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. और एसआर कब पास होता है? When the votes in favor are not less than 3 times the votes cast against the resolution. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों को. Fantastic. Superb. Awesome. I hope you are having good time, everyone. Yes. Everybody, all जितने भी लोग आपको बता देना चाह रहे हैं कि पूरे भारत भर से लोगों ने इस लेक्चर को अप्रिशिएट किया. इस समय भी 2500 के आसपास लोग YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे हैं. 2500, एक बार जोरदार ताली यार. क्या बात है, मतलब Awesome. ये जो रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच. और आप सभी का एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, आज शाम तक बन जाएगा, उसमें सारी नोट शेयर होगी और रेगुलरली शेयर होते रहेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. आर यू मैं लंच करके लाइव स्ट्रीमिंग वालों, कोई भी डाउट है कुछ भी बता सकते हैं. थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच. थैंक यू निधिश, मजा आ गया. निधिश बोला सर बहुत मजा आया. क्या बात है? कैसा महसूस किया लाइव स्ट्रीमिंग वालों आज, बताइए. थैंक यू सो मच सर एंड मैम उर्वशी. थैंक यू सो मच प्रियंका. थैंक यू बेटा. यस सर. थैंक यू सर एंड मैम. बाय बाय कार्तिक. बाय अनिल. थैंक यू सो मच. एक मिनट बस. ऑसम, अच्छी, सुपर्ब, कमाल, बहुत मजा आया सर. थैंक यू, बहुत मजा आया. अरे इतनी सारी चैट से फटाफट फटाफट ऊपर जा रही है. कितु कह रही सर मजा आ गया. थैंक यू सो मच कितु. सी यू टुमारो. अच्छी इंग्लिश बोलने वाली, क्या अच्छा सीए बन सकता? हाँ बन सकता है, अगर अच्छा इंग्लिश नहीं भी बोला तो. लाइव स्ट्रीमिंग, बाप रे समझ नहीं आ रहा. थैंक यू सो मच. वाओ सर, फैंटास्टिक. मच सर एंड मैम, थैंक यू. ऑसम लेक्चर. थैंक यू. और एक लेक्चर सर, बेस्ट, लाजवाब, वाओ, बहुत मजा आया, फैंटास्टिक, बहुत फास्ट जा रहा है. थैंक यू विजय. थैंक यू वेदांत. थैंक यू तिलक. थैंक यू सो मच मयंक. थैंक यू सो मच. अद्भुत, फैंटास्टिक सर एंड मैम, क्या बात है, वेरी एनर्जेटिक लेक्चर, क्या बात है. वेदांत बिल्कुल सर, बहुत मजा आया. सेक्शन नंबर भी हम लोग क्लास के साथ ही याद करें, डोंट वरी, वो लिखना भी एग्जामिनेशन में. यस जूही, थैंक यू सो मच सर, ऑसम लेक्चर था. मेरा नाम सानिया है. मेरा नाम है राधा. और मैम एंड सर, लव गुरु, लव गुरु के लॉ गुरु, सॉरी लॉ गुरु, वो तुम्हें कुछ दिख रहा है. वेरी नाइस जेस्टर, एक्सट्रीमली गुड सर. मनीष, थैंक यू सो मच. बाय बाय. वंश, इतना मजा आया. अवनीश, थैंक यू सो मच, लव यू टू, सो अमेजिंग, सो मच फन. जूही, वाओ, थैंक यू जूही. इसी तरह से हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गाइस. सो अमेजिंग. सूरज, सुजल, कैन प्रॉक्सी, कैन प्रॉक्सी इंस्पेक्ट प्रॉक्सी डिपॉजिटेड? नो, सिर्फ मेंबर कर सकता है. ओके, सो अमेजिंग. अंकिता, मजा आ गया, उत्तम, क्या बात है. थैंक यू. Thank you so much everyone. चलो, thank you, bye bye. आज मेरे को नींद नहीं आएगी, क्यों भाई? आज सर वो वर्ड्स दिया ना माया वाला.
आप किसको माया करते हो? एक शेयर इज गुड एक वोट, वन शेयर वन वोट इज इन केस ऑफ पोल, वो कल होगा. एंड वन मेंबर वन वोट इज बाय शो ऑफ हैंड्स, कल होगा बेटा वो. ओके बेटा, उसके बारे में कल बताएंगे, है ना. इट वाज अमेजिंग लेक्चर. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. श्रुतिका PDF, क्या बोले PDF, हाँ GDR, GDPD वालों का सबका साथ में ग्रुप बनेगा, सबको मिलेगा, उसी ग्रुप पे डालेंगे. GDPD वालों को कुछ अलग से ट्रीट नहीं करते, सब एक जैसे होते हैं. टीचर सेम, किताबें सेम, टेक्नोलॉजी सेम, सब कुछ सेम, PDF सेम, डेटा सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नथिंग टू बी वरीड अबाउट. यस, थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय.